यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज मोस्ट लव्ड मोस्ट ट्रस्टेड YT चैनल, जहां आपको बिल्कुल रियलिस्टिक, बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करवाया जाता है, आपका ओवरऑल डेवलपमेंट करने का ट्राई किया जाता है। होप यू गाइज आर एब्सोल्युटली फाइन, यू गाइज आर डूइंग परफेक्टली वेल, यू गाइज आर ऑन द फायर, आप लोग जबरदस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। जो भी आपका गोल है कि भाई मुझे वो गोल अचीव करना है, आप उसकी तरफ निरंतर कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते जा रहे होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगी, अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपके साथ रहता है। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सैनिक स्कूल की कर रहे हो, मिलिट्री स्कूल की कर रहे हो, RIMC की कर रहे हो, JNVU की कर रहे हो, CHS की कर रहे हो, इसके अलावा भी तमाम एग्जाम जो कि ऐसे स्कूल हैं जहाँ की आपको एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू एडमिशन मिलता है, और आपका भी गोल रहता है, आपके अंदर भी ये आग रहती है कि हाँ यार मुझे भी वो एग्जाम को क्रैक करना है और वहां जाके मुझे भी स्टडी करनी है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट आपके सपोर्ट में रहता है 24/7, राइट। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो आप उसे सब्सक्राइब कर सकते हो, इसका कोई भी चार्ज नहीं होता है, उससे आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन आने लग जाती हैं, और जिससे कि आप लोग अपनी प्रिपरेशन को इजीली कर सकते हो। कोई भी आपका डाउट होता है, कोई भी आपका सजेशन होता है, आप हर टाइम बता सकते हो। अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा आपकी सेवा में तत्पर रहता है, आपके सपोर्ट में तत्पर रहता है। ओके, तो चलो हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो HCF LCM हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले यार अगर मैं इनकी फुल फॉर्म आपको बताऊं तो सबको पता होता है कि सर HCF जो होता है, इसकी जो मीनिंग होती है, जो फुल फॉर्म होती है, वो होती है क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबको पता है क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, ठीक है सर। अब मैं इसी के आपको डिफरेंट नाम बता देता हूँ, इसको ना कहीं पर ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखा होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर भी इसको लिखा होगा ग्रेटेस्ट CF, ठीक है। इसको कहीं पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी लिखा होगा, हाईएस्ट तो चलो लिख ही दिया है, लार्जेस्ट भी लिखा होगा, तो भाई कंफ्यूज आपको बिल्कुल भी नहीं होना है, बात वही है, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, या इसका एक दूसरा नाम भी कहीं पर लिखा होता है जिसे कि लिखा रहता है क्या, ग्रेटेस्ट कॉमन, जिसे हम GCD कहते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी हम इसे कहते हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया होगा डिवाइजर क्या होता है, जो डिवाइड करता है, और फैक्टर भी क्या होता है, जो डिवाइड करता है, ठीक है। इसके लिए आपको फैक्टराइजेशन वो तो आता ही होगा, बाकी मैं सिखा दूंगा बीच में, ठीक है, क्लियर है। तो इसको कहीं पे GCD भी लिखा रहता है, तो कंफ्यूज मत होना कि सर ये GCD क्या है, GCD मतलब HCF ही होता है, G फॉर ग्रेटेस्ट, C फॉर कॉमन, D फॉर डिवाइजर, डिवाइजर जो डिवाइड करता है, और जो डिवाइड करता है उसे हम फैक्टर भी कहते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर हो गया आपको यहाँ तक। फिर हम बात करते हैं, अगर मैं ऐसे आपको LCM का बता दूँ, यहीं पर मैं आपको अगर यहाँ पर LCM का बता दूँ, तो LCM की जो मीनिंग होती है सबको पता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी बताऊंगा, एक एक चीज़ लेके चलूंगा यार। HCF LCM आप लोग ऐसा कर लोगे बिल्कुल क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आएगा जबरदस्त तरीके से कर लोगे। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या इसी को लिखा रहता है आपका क्या, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा रहता है, या इसी को आपका क्या लिखा होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा होगा, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल लिखा होगा, बात वही है। या जैसा इसका नाम था GCD, ऐसा इसका एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं LCD, समझ रहे हो। अब बताओ LCD की फुल फॉर्म क्या होगी, यस आपको पता होगा, लोएस्ट कह लो या लीस्ट कह लो, लोएस्ट C4 तो हो गया आपका कॉमन, और जो D होता है यहाँ पर D4 होता है आपका डिविडेंड, ठीक है, ध्यान से देखना, D4 होता है आपका क्या, डिविडेंड, इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं आपका क्या, LCD हम इसे लिख लेते हैं, ठीक है। L4 क्या होता है आपका, लोएस्ट कह दो या लीस्ट कह दो, ठीक है, और फिर आपका जो कॉमन होता है, ओके, और फिर आपका जो डिविडेंड होता है। अब बताओ डिविडेंड क्या होता है, सर डिविडेंड वो नंबर होता है जो डिवाइड होता है ना, और जो डिवाइजर क्या होता था, जो डिवाइड करता था। अब डिविडेंड को अगर मैं मल्टीपल से रिलेट करूँ, आपको पता है डिविडेंड को हम मल्टीपल भी कह सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल क्या होता है, किसी नंबर का मल्टीपल वो नंबर होता है जो उस नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, तो डिविडेंड भी तो वही है ना जो डिवाइड होता है। अगर मैं आपसे पूछूँ कि भाई 4 का मल्टीपल बताओ, अभी बताऊँगा फैक्टर मल्टीपल, फिलहाल सुन लो कि 4 का मल्टीपल, एक मल्टीपल बताओ, आप बोलोगे सर 4 का मल्टीपल क्या होता है, 8 होता है, इसका मतलब 8 क्या है, 8 4 से कंप्लीट डिवाइड होता है,
है ना। तो जो डिवाइड हो रहा है उसे हम डिविडेंड भी कहते हैं, इसीलिए इसको कहीं पे एलसीडी भी लिखा रहता है। तो कंफ्यूज मत हो जाना कि ये एलसीडी क्या चीज़ है, ठीक है। एलसीडी का मतलब आपका लोएस्ट कॉमन डिविडेंड ही होता है, ठीक है। और देखो अगर मैं आपको यहाँ पे लिख दूँ तो ये चीज़ मैंने कई बार आपको बताई होगी कि जिसे आप डिवाइड करते हो उसे हम डिविडेंड कहते हैं, ठीक है। जो डिवाइड करता है उसे हम डिवाइज़र कहते हैं, जिससे आप मल्टीप्लाई करते हो वो आपका कोसेंट होता है, और जो बच जाता है वो आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर जब हमने ये HCF देखा, HCF की फुल फॉर्म हुआ करती थी हमारी क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मतलब तो हम समझ रहे हैं सबसे बड़ा, कॉमन मतलब समझ रहे हैं जो दोनों चीज़ों में कॉमन होगा। जब हम दो चीज़ों का, दो क्वांटिटी का कंपेरिजन कर रहे हैं उनमें जो दो कॉमन चीज़ है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को बोल रहा हूँ कि इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन सर ये मार्कर है, कॉमन क्या है सर ये लिखने के लिए, कॉमन क्या है दोनों वाइट हैं, है ना। तो दो चीज़ों में जब हम कोई सिमिलैरिटीज़ देखते हैं तो हम उसे कॉमन कह देते हैं, ठीक है। फिर वहाँ पे एक टर्म आया आपका HCF में, हाइस्ट हमने देख लिया, कॉमन हमने देख लिया, फैक्टर आपका आया। तो फैक्टर हम एक बार देख लेते हैं कि ये फैक्टर क्या चीज़ होती है, ठीक है। फैक्टर, फैक्टर क्या होता है, अब देखो कोई भी नंबर का फैक्टर, इसमें आप छोटी सी डेफिनेशन में आपको लिखवाना चाहूँगा, ठीक है। वो नंबर होते हैं फैक्टर, वो नंबर होते हैं दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स, जो कम्प्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है। दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स एनी गिवन नंबर, ध्यान से सुनना इसको, विच कम्प्लीटली डिवाइड्स एनी गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ दैट नंबर, समझे। दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स एनी गिवन नंबर आर कॉल्ड फैक्टर ऑफ दैट नंबर, कोई भी नंबर जो दिए गए नंबर को कम्प्लीट डिवाइड करेगा। एंड वट डू यू मीन बाई कम्प्लीट डिवाइड, कम्प्लीट डिवाइड मीन्स रिमाइंडर आपका जीरो आएगा, ठीक है। तो देखते हैं, जैसे मैंने आपको एक सिंपल सा दिया, मैंने बोला 12 कि 12 के फैक्टर क्या क्या हैं। आपने देखना है कि सर 12 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है। हमेशा जब भी हम फैक्टर की बात कर रहे हैं तो दो ऐसे फैक्टर होंगे जो कि आप बिल्कुल आँख बंद करके भी लिख सकते हो। एक तो क्या, वन, क्योंकि वन हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, और एक होता है आपका क्या 12, एक वो नंबर खुद ही, क्योंकि वन किसी भी नंबर को डिवाइड करेगा और वो जो नंबर इटसेल्फ होता है 12 तो 12 को करेगा ही करेगा। तो वन और वो नंबर खुद हमेशा फैक्टर होंगे किसी भी नंबर के। इसके बाद हमने वन के बाद देखना टू से डिवाइड होता है, ये सर होता है, डिविजिबिलिटी रूल भी आपने पढ़े होंगे, 3 से भी होगा ये, 4 से भी होगा ये, 6 से भी होगा ये, ठीक है। तो ये सारे के सारे इसके क्या होगी, फैक्टर होगी। ये जो 12 था ये क्या था, ये हमें नंबर दे रखा था, ये क्या था, ये गिवन नंबर था। और जो ये हमारे ये आए, ये सारे के सारे ये क्या आ गए, ये आपके फैक्टर्स आ गए। क्यों हुए फैक्टर, क्योंकि हमने बोला दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स एनी गिवन नंबर, ये वो नंबर थे जो इस 12 को कम्प्लीट डिवाइड कर रहे थे, इसलिए हमने बोला कि ये नंबर 12 के क्या होगी, फैक्टर होगी। क्लियर है बात, सबको यहाँ पे बात समझ आ गई। तो ये आपके क्या होगी, फैक्टर होगी, ठीक है। फैक्टर में आप यहाँ पे हमेशा जब भी मैं करवाता हूँ मैं एक चीज़ हमेशा लिखवा देता हूँ और बच्चों को याद रह जाती है, आप इसमें लिख लेना कि जो डिवाइड करता है ये हमेशा डिवाइड करेगा, ठीक है। फैक्टर हमेशा डिवाइड करेगा, आई मीन जैसे मैं बोल रहा हूँ कि 12 का फैक्टर 3 है, इसका मतलब 12 3 को क्या करेगा, इसका मतलब 12 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक है। 12 3 को क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ऐसा नहीं 3 12 को डिवाइड करेगा, ठीक है। 12 को 3 कम्प्लीट डिवाइड करेगा, 3 4 12, ठीक है। तो ये इसके क्या हो जाते हैं, फैक्टर हो जाते हैं। जैसे आप देख लो, आपको अगर 24 के फैक्टर लिखने हैं तो 1 तो लिख ही लोगे और 24 भी लिख ही लोगे, बाकी आपने सीखे होंगे, 9th लेवल पे हो, सीख तो लिए होंगे आपने। 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ये इसके फैक्टर हो गए। कुछ छूट गया होगा तो लिख लेना आप लोग भी उसको, ठीक है। इस तरीके से हो गया। इसके बाद अगर हम मैं बात करूं तो फैक्टर में आपको बता दूं, एक और टर्म आपका यहां पे आएगा फैक्टर में, ध्यान से देखना, ये मुझे मिटाना नहीं चाहिए था वैसे। चलो प्राइम फैक्टर, अब बताओ आपने प्राइम नंबर तो यार सुने होंगे, डेफिनेटली सर हमने प्राइम नंबर सुने हैं, सुने ना सबने। फैक्टर आपने पढ़ लिया कि फैक्टर क्या होता है, जो नंबर किसी दिए गए नंबर को कम्प्लीट डिवाइड करता है वो उसका फैक्टर होता है। अब मैं प्राइम फैक्टर की बात कर रहा हूँ, प्राइम नंबर आपने पढ़े, ऐसे नंबर जो किसी से डिवाइड नहीं होते हैं या जो सिर्फ अपने आप से और वन से डिवाइड होते हैं, दैट्स योर प्राइम नंबर, वो आपके प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखना ऐसे फैक्टर, अब आप लोग इमेजिन कर सकते हो, इसे समझ सकते हो कि इसके डेफिनेशन क्या होने वाले, क्या प्राइम फैक्टर होगा। ऐसे फैक्टर, फैक्टर आपको पता है जो डिवाइड करता है, ऐसे फैक्टर जो कि एक प्राइम होगा, मतलब ऐसा फैक्टर जो किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा होगा, ऐसे फैक्टर को हम क्या कहेंगे, प्राइम फैक्टर कहेंगे, ठीक है। तो यहां पे आप शॉर्ट में लिख सकते हो ताकि आप लोगों को डेफिनेशन क्लियर हो जाए, आप यहां पे लिख सकते हो दोज फैक्टर्स
ऐसे फैक्टर, दोज फैक्टर्स विच आर, जो कि क्या होंगे, दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम, ऐसे फैक्टर जो क्या होंगे, जो प्राइम होंगे, ठीक है। दोज फैक्टर्स विच आर प्राइम आर कॉल्ड प्राइम फैक्टर। अभी जैसे मैंने 12 के जो मैंने नॉर्मल फैक्टर लिखे थे, यहाँ पे लिख लेता हूँ, 12 के नॉर्मल फैक्टर क्या थे, 1 था, 2 था, 3 था, 4 हो गया, 6 हो गया, और क्या होगा, 12 हो गया, ये फैक्टर थे। अब यहाँ पे देखो, क्या ये सारे के सारे प्राइम फैक्टर हैं? आप बोलोगे नहीं सर, सारे के सारे तो प्राइम फैक्टर नहीं है, इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर आपका 2 है, ठीक है, इसमें सिर्फ प्राइम फैक्टर 2 है। यहाँ पे मैं फिर लिख लेता हूँ, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 12 हो गया, ये 12 के नॉर्मल फैक्टर थे। इसमें ये वाला, ये 2 क्या है, ये पीएफ है, प्राइम फैक्टर है, 3 क्या है, पीएफ है, प्राइम फैक्टर है। और कुछ दिख रहा है इसमें प्राइम नंबर? नहीं दिख रहा है। तो ये हमने बात करी यहाँ पे प्राइम फैक्टर की, ऐसे फैक्टर जो एक प्राइम नंबर होगा वो आपका प्राइम फैक्टर कहलाएगा, और यहीं से आपका स्टार्ट होता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जब आपने फैक्टराइजेशन करा होगा, जब आपने गुणनखंड करा होगा, तो प्राइम फैक्टराइजेशन में आप क्या करते हो, कभी भी देखना उसमें आपका कंपोजिट नंबर नहीं होगा, हमेशा आपका उसमें प्राइम नंबर होता है, जो कि यहाँ पे आपको दिखा है। अब मैं यहाँ पे आपको छोटा सा रिकॉल दे देता हूँ, जैसे ये 12 है, जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन ऐसे आपने करा होगा, आई एम श्योर आपने करा होगा, ऐसे आप सबसे पहले 2 से करते हो, 2 6 जाए 12, 2 से करते हो, 2 3 6, 3 से करते हो, 3 बन जाए 3। क्या इसमें आपको कोई नॉर्मल फैक्टर दिख रहा है? नहीं, यहाँ पे आपके हमेशा प्राइम फैक्टर ही हैं। कभी यहाँ पे 4 8 9 11 11 तो आ जाएगा, 4 8 9 12 ऐसे नंबर नहीं आते, क्योंकि वो आपके कंपोजिट नंबर होते हैं, ठीक है। समझ आया प्राइम फैक्टर क्या कहलाता है, ये आपका फंडा, ठीक है। इतनी बात यार, आई एम श्योर आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। फिर मैं बात करता हूँ आपको किसकी, मल्टीपल। भाई देखो, ये है आपका जीरो टू हीरो, क्योंकि आप जीरो टू हीरो सीरीज में हो, तो बिल्कुल ऑब्वियसली आपको जीरो से उठा के हीरो बना देना है, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक आपने कर लिया होगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब तो कर ही लेना, उससे आपको क्या होता है कि नोटिफिकेशन मिल जाती है। बाकी प्लेलिस्ट मैंने सारी बना रखी है, प्लेलिस्ट में जाओ, मस्त तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से क्लासेस कर लो, ठीक है। बाकी ऑनलाइन बैच भी आपके चलते हैं, वॉरियर 100 बैच चल रहा है, जिसमें कि ज़बरदस्त क्लास हो रही है, डेली क्लास होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली टेस्ट होता है, मंथली टेस्ट होता है, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज होती है, बहुत मिनिमम फी ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। कंप्लीट जो ईयर की फी होती है, वो अभी जो चल रही है वो 10,000 चल रही है, ठीक है, कंप्लीट ईयर की, ठीक है। उसमें भी कोई दिक्कत होती है तो मैनेज कर लेते हैं, बस वो ये है कि आपको बेस्ट कंटेंट मिलना चाहिए, ठीक है, और हर कोई उसे अफोर्ड कर सके, ओके। चलो देखो, इसमें हम नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, मल्टीपल की। किसकी हम बात करेंगे, मल्टीपल की बात करेंगे, क्योंकि मल्टीपल किस में आएगा, एलसीएम में आएगा। एलसीएम मतलब लोएस्ट कॉमन, मतलब कॉमन कॉमन जो दोनों में सिमिलर है। और फिर हमने क्या देखा, मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा है कि सर जो मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है। तो हम मल्टीपल को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, कि दोज नंबर्स, ध्यान से देखना, एचसीएम वो फैक्टर की हमने क्या लिखी थी और मल्टीपल की हम क्या लिख रहे हैं, दोज नंबर्स विच आर, those numbers which are completely, those numbers which are completely divisible by, those numbers which are completely divisible by any given number, जो कि आपको दिया गया नंबर होगा, any given number आर कॉल्ड मल्टीपल ऑफ दैट नंबर, ठीक है। दोज नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एनी गिवन नंबर, थोड़ी रिकॉल करो, एच सी एफ में हमने क्या लिखा, दोज नंबर्स विच कम्प्लीटली डिवाइड्स, जो कम्प्लीट डिवाइड करता था, इसलिए मैंने वहाँ पे आपको फैक्टर में लिखा था जो डिवाइड करता है, ताकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। और मल्टीपल क्या है, दोज नंबर्स विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई एनी गिवन नंबर, वो आपका क्या होगा, वो आपका मल्टीपल होगा। रुको, एग्जाम्पल देता हूँ, मैंने आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे 8, ठीक है, ये 8 हमारा क्या है सर, 8 हमारा है क्या, गिवन नंबर, ये नंबर हमें दे रखा है। अब हमें बोला जा रहा है कि इसके क्या बताओ, इसके मल्टीपल बताओ। आपने ऐसे नंबर निकालने हैं, ऐसे नंबर निकालने हैं विच आर कम्प्लीटली डिविजिबल बाई, जो नंबर इस 8 से कम्प्लीट डिवाइड होंगे। अब आपको समझ आ रहा है कि जो इसके टेबल में आते हैं ना, 8 टू जा 16 हो गया, 24 हो गया, ठीक है, 32 हो गया, ये ऐसे चलते जाएंगे, कितना भी बड़ा नंबर होगा वो आपका चलते जाएगा, कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। कोई जैसे मैंने आपको कितना ही बड़ा नंबर दे दिया, 5 3
1096, ये आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि आपको 8 का डिविजिबिलिटी रूल पता है कि लास्ट में जो तीन डिजिट होती हैं वो अगर 8 से कंप्लीट डिवाइड होती हैं तो पूरा नंबर 8 से कंप्लीट डिवाइड हो जाता है। यहाँ पे 096 है, 8 1 8 8 2 16, थ्री डिजिट लास्ट कंप्लीट डिवाइड हो रही है, इट मीन्स ये पूरा नंबर आपका 8 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो ये भी इसका मल्टीपल होगा। ठीक है, सिर्फ ये मत सोचना कि जो उसके टेबल में आ रहे हैं, टेबल तो यार हम जनरली 10 तक पढ़ते हैं, टेबल तो इनफाइनाइट हो सकती है, कितनी भी आगे जा सकती है। ठीक है, तो ऐसा नंबर जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है हम उसे इसका मल्टीपल कहेंगे, तो ये सारे के सारे इसके क्या हो जाएंगे, मल्टीपल हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको लिखवाता हूँ, पहले ये लिख लो कि मल्टीपल क्या है। अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया मल्टीपल क्या होगा, जो डिवाइड होता है, समझिए भाई बात को, जो डिवाइड होता है वो आपका क्या है, मल्टीपल है। दिख रहा है ना कि ये सारे इससे डिवाइड हो रहे हैं, ये सारे 8 से डिवाइड हो रहे हैं, इसलिए ये 8 के क्या होगी, मल्टीपल होगी, तो ये हमेशा डिवाइड होगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ लिखवा देता हूँ, इससे आपको चीज़ें और क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, जैसे इसी को ले लो, मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, चलो मैं यहाँ पे 15 लिख लेता हूँ। ठीक है, ये 15 है मेरा, क्या मेरा कुछ नहीं है, आपका है जो भी है यार, है ना, 15 है मेरा क्या, ये है मेरा गिवन नंबर, 15 है मेरा क्या, गिवन नंबर है। ठीक है सर, क्या ही दिक्कत है। अब 15 के मैं यहाँ ये क्या लिख रहा हूँ, मैं यहाँ 15 के लिख रहा हूँ मल्टीपल। ठीक है, अब और यहाँ मैं क्या लिख रहा हूँ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ 15 के फैक्टर। इसको अपने माइंड में रिकॉर्ड रखना, कभी परेशान नहीं होंगे। 15 मेरा गिवन नंबर था, अब गिवन नंबर का मुझे यहाँ पे मल्टीपल बताना है। मल्टीपल क्या है, ऐसे नंबर जो इस 15 से कंप्लीट डिवाइड हो रहे हैं, इट मीन्स रिमाइंडर जीरो आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीपल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, 45 हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ये ऐसा चलता जाएगा। अगर मैं 15 के फैक्टर की बात कर रहा हूँ, 15 का फैक्टर मतलब जो नंबर इस 15 को कंप्लीट डिवाइड करेगा वो फैक्टर होगा, तो फैक्टर क्या है, 1 होगा, 5 होगा और 15 होगा, सॉरी 3 भी तो होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 15 होगा। ठीक है, ये इसके फैक्टर होगी। अब तुम लोग यहाँ से समझ गए होंगे कि सर ये मेरा दिया गया नंबर था, इसके अगर हम मल्टीपल की बात कर रहे हैं तो मल्टीपल हमने लिखे जो इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहे थे, और अगर मैं इसके फैक्टर की बात कर रहा हूँ तो फैक्टर क्या होंगे, जो इसको कंप्लीट डिवाइड करेंगे, दोनों में डिफरेंस है, इसे लिखवा दिया। इन दो लाइन को याद रखना, फैक्टर जो डिवाइड करता है, मल्टीपल जो डिवाइड होता है। क्लियर है भाई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको फैक्टर मल्टीपल का जो बेसिक फंडा है वो आपको क्लियर हो गया होगा, कोई भी आपको परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। अब आप बोलोगे सर आपने हमें ये क्यों बताया, अरे जब ये बताया तभी तो आप आगे HCF LCM सीख पाओगे। अब हम बात करेंगे प्रॉपर किसकी, HCF की। अब हम पहले HCF का फंडा लेके चलेंगे कि आपको कैसे HCF फाइंड करना है। इवन होता क्या है HCF, कई लोगों को वही चीज़ पता नहीं होती है, एक बार आपको ये पता चल जाए ना कि सर HCF होता क्या है, फिर उस पर जैसे भी क्वेश्चन आएंगे आप उन क्वेश्चन को ईजिली टैकल कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले HCF की हम लोग एक प्यार भरी डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, अब यार एक चीज़ मुझे बताओ, आपको पता है जब भी हम किसी, हम कॉमन की बात कर रहे हैं कि कॉमन क्या होगा, तो कॉमन देखने के लिए हम पे एटलीस्ट कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए, मतलब मेरे पे जो भी मैं चीज़ों का कंपेरिजन कर रहा हूँ वो कितनी होनी चाहिए। अगर मेरे पे एक मार्कर है, क्या मैं एक मार्कर का कुछ इसमें कॉमन देख पाऊँगा, कंपेरिजन कर पाऊँगा, नहीं कर पाऊँगा, तो मेरे पे एटलीस्ट दो क्वांटिटी होनी चाहिए, दो मात्रा होनी चाहिए। अब मेरे पे दो मार्कर हो गए, अब मैं इनका कंपेरिजन कर सकता हूँ। तो हमेशा जब भी आप किसी चीज़ में कॉमन देखते हो तो कॉमन आपको हमेशा कम से कम दो चीज़ें होनी चाहिए, मतलब दो वहाँ पे क्वांटिटी, दो मात्रा होनी चाहिए। जब भी आप लोग कुछ गेम वेम खेलते हो ना, क्रिकेट खेलते हो, है ना, आपके पास 11 प्लेयर हैं, है ना, मतलब 11 आदमी है टोटल, आपने टीम बना दी, पांच की टीम बना दी, दो टीम हो गई, पांच टीम ये, पांच टीम ये, एक को बोला एक छोड़िए, एक कॉमन है, मतलब वो इसका भी है और इसका भी है, दोनों का है। ठीक है, तो वो होता है आपका कॉमन का फंडा। इसलिए मैं आपको यहां पे लिखवाऊंगा HCF ऑफ टू और HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, कम से कम दो होने चाहिए, HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर्स। ठीक है, कि दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर का HCF, HCF ऑफ टू और मोर देन टू नंबर इज़ द हाइएस्ट नंबर या ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट नंबर, इज़ द हाइएस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर होता है, इज़ द हाइएस्ट नंबर विच कम्प्लीट, इज द हाइएस्ट नंबर विच कम्प्लीट डिवाइड, विच कम्प्लीट डिवाइड्स दोज नंबर।
विच कम्प्लीट डिवाइड्स दोज नंबर, वो नंबर होता है जो उन नंबर को क्या करता है, कम्प्लीट डिवाइड करता है, विच कम्प्लीट डिवाइड दोज नंबर। फिर वो स्टेटमेंट याद करो कि जब मैंने आपको बोला था कि एचसीएफ में फैक्टर आ रहा है, एंड गाइज फैक्टर मीन्स जो कम्प्लीट डिवाइड करता है, तो एचसीएफ डिवाइड करेगा, हाईएस्ट होगा और उन दो में क्या होगा, वो कॉमन होगा, उन दोनों को कर रहा होगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों को चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि एचसीएफ ऑफ, जैसे मैंने एग्जाम्पल दे दिया आपको, एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20, अभी सीखेंगे निकालना, डोंट वरी। एचसीएफ ऑफ 15 एंड 20, 15 और 20 का जो एचसीएफ है 15 एंड 20 इज, वो कितना है, वो 5 होता है। सीखेंगे कैसे निकालना है, फिलहाल के लिए देख लो HCF of 15 and 20 is 5. इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ, ये हमें ये बताना चाह रहा है, इट मीन्स 5 क्या है, इट मीन्स 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, इट मीन्स 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर, 5 इज़ द हाईएस्ट नंबर और 5 इज़ द लार्जेस्ट नंबर, इट मीन्स 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीट डिवाइड, 5 इज़ द ग्रेटेस्ट नंबर विच कम्प्लीट डिवाइड, जो कम्प्लीट क्या करेगा, जो कम्प्लीट डिवाइड करेगा, विच कम्प्लीट डिवाइड 15 एंड 20, जो 15 एंड 20 को क्या कर रहा है, कम्प्लीट डिवाइड कर रहा है। आप देख सकते हो 5 3 15 होता है, 5 4 20 होता है, कम्प्लीट डिवाइड कर रहा है। बार बार बोल रहा हूँ कम्प्लीट डिवाइड कर रहा है, मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 आ गया, ये इसका HCF हो गया। 5 से बड़ा, लिसन माई वर्ड केयरफुली, 5 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 15 और 20 दोनों को डिवाइड कर रहा हो। 5 के ऊपर आप जाओगे आपको एक तो मिलेगा 10, 10 20 को डिवाइड करेगा, 10 टू जा 20, ठीक है, फिर इसके ऊपर और कोई नंबर नहीं जो दोनों को कर रहा होगा, इसलिए आपका सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि सर, ठीक है, आपने HCF तो बता दिया, अब हमें HCF को फाइंड कैसे करना है, ठीक है, हमें HCF को फाइंड कैसे करना है, तो फाइंड करने के जो प्रॉपर मेथड की मैं बात करूं, ठीक है, प्रॉपर मेथड की मैं बात करूं, तो वो इसके दो मेथड है, एक तीन मेथड मान लो वैसे, एक तो इसका प्राइम फैक्टर, चार मेथड मान लो वैसे, ठीक है, एक इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, एक इसका डिवीजन मेथड होता है, एक होता है कॉमन डिवीजन मेथड, और एक आपका जो ट्रिक विक वगैरह चलती है, ठीक है। तो बाकी हमने यहाँ पे जो मेन है आपका कॉन्सेप्ट है जो जो कि काम आएगा वो करना है। तो सबसे पहला हम यहाँ पे बात करेंगे HCF हमें फाइंड करना है कौन से मेथड से हम कर रहे हैं, HCF बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, HCF दो ही मेथड में यहाँ पे कर रहा, बाकी ट्रिक विक तो हम कर ही लेंगे। खैर HCF by prime factorization method, prime factorization method, अब I am sure यार कि आपको prime factorization करना आता होगा, ठीक है। अगर मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया कि हमें HCF निकालना है, हमें किसका HCF निकालना है, क्वेश्चन ले लेते हैं HCF of, जैसे यही देख लो, मुझे 36 and 38 का HCF मुझे निकालना है, ठीक है, HCF of 36 and 38 का निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले 36 के प्राइम फैक्टर करने जाऊँगा, जाऊँगा तो कहीं नहीं, यहीं पे कर लूँगा, ठीक है। अब यहाँ पे आपको भाई डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से आने चाहिए, फिर आप इसे इजीली कर लोगे। आपको हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आपको हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए, कभी भी आप नॉर्मल से नहीं कर सकते। ऐसे कई बार क्लास में जब करवाता हूँ ना, बच्चे कई बार कर लेते हैं, हाँ भाई 36 है कि 12 3 36, तो जैसे आपका ये आया क्वेश्चन पूरा गलत हो गया। वैसे तो ये 9 4 36 भी हो रहा है, ऐसा हम नहीं करते। अरे वैसे तो एक बार क्लास में क्या हुआ कि बहुत हैवी ड्राइवर आ गया था एक, ठीक है, उसने क्या कर दिया, उसने सीधे कर दिया कि 36 से 1 36। मैंने कहा ये भी बहुत बढ़िया है ना, तो वैसे नहीं करना है, इसीलिए बोला कि प्राइम फैक्टराइजेशन में आपको हमेशा 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 क्या करना होता है, क्या करना होता है, प्राइम नंबर ही लेना होता है, ठीक है। मतलब आपको इन केस में शॉर्ट में, इन शॉर्ट में बता दूँ, 2 हो गया 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 11 हो गया 13 हो गया 17 हो गया 19 हो गया 23 हो गया, ये जो प्राइम नंबर है इनसे ही आपको डिवाइड करना होता है, ठीक है दोस्त। ओके गाइस, फिर देखो ये 2 से करोगे 2 1 2 2 8 16, ये करना आपको आता होगा, 2 9 18, 3 3 9 3 1 3 नहीं आता तो सीख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, हम यहाँ पे नॉर्मल डिवाइड ही कर रहे हैं। फिर हमने 38 से कर दिया इसको, 2 1 2 2 9 18, 19 प्राइम नंबर है, 19 1 19, ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखा कि सर 36 के हमारे जो फैक्टर आए वो क्या है, प्राइम फैक्टर जो है 2 × 2 × 3 × 3, और प्राइम फैक्टर की मज़ेदार बात पता क्या होती है, जो नंबर आपको मिलते हैं, जो फैक्टर आपको मिलते हैं, अगर आप उनको मल्टीप्लाई करोगे आपको ये नंबर मिलेगा, 3 3 9 9 2 18 18 2 36, मिल गया वो नंबर। फिर हमने देखा कि सर जब हमें 38 के जो हमने प्राइम फैक्टर मिले वो मिले मुझे 2 × 19, हम क्या निकाल रहे हैं, HCF निकाल रहे हैं, हमने क्या कर लिया, फैक्टराइजेशन हमने कर लिया, फैक्टर निकाल दिए। अब हमें क्या देखना है, कॉमन देखना है, कॉमन देखो
कॉमन का मतलब जो इस 36 में भी होगा और जो 38 में भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे आपका 2 है, ये कॉमन हो गया, दोनों में है और कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है। तो HCF मैं मेरा जो कॉमन आया यहाँ पे वो क्या आया, वो मेरा 2 आया। अब मैंने हाईएस्ट देखना है तो 2 ही यहाँ पे हाईएस्ट है, तो 2 यहाँ पे आपका HCF आ गया। 2 सबसे बड़ा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। 2 18 जा 36 2 19 जा 38, इसके अलावा कोई भी 2 से बड़ा नंबर नहीं है जो इन दोनों को कम्प्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन ले लो, उससे आपको और अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 36 है और ये आपका 72 है, ठीक है। तो हमने 36 के वही चीज़ प्राइम फैक्टर करने हैं, 2 1 जा 2 2 8 जा 16 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3, फिर हमने यहाँ पे 72 के करने हैं, 2 3 जा 6 2 6 जा 12 2 12 जा सॉरी सॉरी 2 18 जा 36 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3। जब मैंने सर यहाँ पे 36 के फैक्टर करे, मुझे मिला 2 × 2 × 3 × 3 मिला, ओके सर बिल्कुल मिला। और जब मैंने यहाँ पे 72 के प्राइम फैक्टर करे, मुझे मिले 2 × 2 × 2 × 3 × 3। आपको ऐसा लिखने की नीड नहीं है, ये बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये मेरी ड्यूटी है आपको पूरा समझा के लिखवाना। आप जब क्वेश्चन करने जाओगे आप डायरेक्ट यहीं पर देख लोगे, ठीक है। तो मैंने देखा कि यहाँ पर क्या मिला, मुझे कॉमन देखना है, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, ये कॉमन हो गया, ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, कॉमन हो गया। इस 2 के लिए ऊपर कोई भी 2 नहीं है, ये 3 हो गया, ये 3 हो गया, ये कॉमन हो गया, और ये वाला 3 हो गया, ये वाला 3 हो गया, ये कॉमन हो गया। अब जो कॉमन आए उनको ले लो, क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, क्या कॉमन आया, 2 कॉमन आया, क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, क्या कॉमन आया, 3 कॉमन आया, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4 4 3 जा 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा कितना हो गया आपका, 36 हो गया। और 36 ऐसा सबसे बड़ा नंबर है जो 36 और 72 को कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे क्या आ गया, आंसर आ गया। ये था आपका मेथड, कौन सा, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब आपका फिर डाउट आएगा कि सर ठीक है आपने 2 नंबर का तो करवा लिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, इजीली हमने कर लिया, लेकिन अगर हमें जब 3 नंबर का पूछा जाए तो फिर कैसे करेंगे, उस पर भी चले जाओ। जब 2 नंबर का कर लिया तो 3 नंबर का भी कर लेंगे। HCF हमें निकालना है 18 का, 96 का और 48 का। सिंपल हमें पता क्या करना है, इस 18 पे जाओ, सबसे पहले प्राइम फैक्टर करो, 2 9 जा 18 3 3 जा 9 3 1 जा 3, ठीक है सर कर लिए। फिर 96 पे जाओ, 2 4 जा 8 2 8 जा 16 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 12 जा 24 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, गलत होगा तो देख लेना, ठीक है। फिर आपका 42 है, 2 से करोगे 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 2 जा 4 2 6 जा 12 2 3 जा 6 3 1 जा 3, ये करना आपको आता होगा जहाँ तक मुझे ध्यान है। अब हमने इन तीनों में कॉमन देखना है, अभी तक हम 2 में कॉमन देख रहे थे, अब तीनों में कॉमन देखो, जो तीनों में होगा वो आपका आंसर होगा। तो ये आपका देखो 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, 2 कॉमन है, लिख लो। फिर से देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, लिख लो। और कुछ कॉमन मिला, और तो सर अब यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 2 3 जा कितना हो गया, 6 6 आपका इसका क्या आ गया, 6 आपका इसका क्या आ गया, क्या आ गया, क्या आ गया, HCF आ गया, ठीक है। 6 3 जा 18 एंड ये हो जाएगा 6 1 जा 6 6 6 जा 36, 16 6 96 होता है और 6 8 जा 48, बस 3 नंबर का भी आप ऐसे कर लोगे, ठीक है, आई एम श्योर यार। अच्छा एक और चीज़ देख लो, अगर कभी आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा जिसमें कि कोई कॉमन नहीं होगा, आपने पढ़ा भी होगा, अगर आपको ध्यान आ रहा होगा ना, जब मैंने आपको नंबर सिस्टम में एक बात बताई होगी को प्राइम नंबर की, वहाँ पर मैंने आपको एक स्टेटमेंट लिखवाया होगा कि को प्राइम वो नंबर होता है जिनका क्या होता है, को प्राइम वो नंबर होता है जिनका क्या होता है, HCF 1 होता है, जिनका HCF 1 होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, को प्राइम कहते हैं। तो HCF 1 कैसे आएगा वो देख लो। अगर मैं आपको बोलूं कि यार आपको HCF निकाल, चलो मैं 3 नंबर ही आपके सामने रख देता हूं, मैंने रखा एक 39, एक मैंने रखा 34, एक मैंने रखा 21। इन 3 नंबर का मुझे HCF निकालना है। मैं गया भागते भागते, मैंने 39 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना चाहा, तो ये 3 से होगा, 3 1 जा 3 3 जा 9, 13 प्राइम नंबर है, 13 1 जा 13। फिर मैंने 34 पे गया तो ये करा मैंने 2 1 जा 2 2 7 जा 14, 17 1 जा 17। फिर मैं 21 पे गया, ये वा 2 से तो नहीं होगा, 3 7 जा 21 7 1 जा 7। फिर मैं कॉमन देखने गया और मैं यहाँ पे
शॉक्ड हो गया कि सर यहाँ तो कोई भी कॉमन नहीं है, हम कैसे HCF निकालेंगे, आपने हमें पता नहीं क्या पढ़ा दिया, हम तो HCF निकाल नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको बताई थी, ठीक है, कि ऐसा नंबर जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होते हैं वहाँ पे उनका HCF हमेशा 1 आता है। सर बोलोगे 1 ऐसे कैसे 1 आ जाता है, 2 क्यों नहीं आता है, कोई भी और नंबर क्यों नहीं लिया। ठीक है, तो भाई मैंने आपको जैसा कि बताया, अगर मैं आपको इसी क्वेश्चन को ऐसा लिख लूँ, 39 लिख लूँ, 34 लिख लूँ, 21 लिख लूँ, अब आपको पता है 1 हर किसी नंबर को डिवाइड करता है, मैंने इसे 1 से कर लिया, 1 3 जा 3, 1 9 जा 9, 1 से कर लिया, 1 3 जा 3, 1 4 जा 4, 1 से कर लिया, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1, बाकी यहाँ से यही होगा, 3 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 13 1 जा 13 हो जाएगा, बाकी यहाँ भी जो ऊपर चल रहा था वो हो जाएगा। हमें कॉमन ही तो चाहिए ना, आपको कॉमन ही चाहिए, तो सर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, कॉमन क्या आया, 1 आया, दैट्स योर HCF। ठीक है, चाहे ऐसा समझ दो चाहे वैसा समझ दो, तो ऐसा करोगे आप लोग क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन से ज़िंदगी में जब भी कभी आपको यार HCF निकालने को बोला जाएगा तो आप ये मेथड फॉलो करोगे। स्कूल में तो ये आपसे पूछे ही जाते हैं कि इस मेथड से करो, उस मेथड से करो, ऐसे करो, वैसे करो, इस तरीके से आप लोगों को ये करना है। ठीक है, इसके बाद हम जो मेथड यूज करेंगे वो हम डिविजन मेथड यूज करेंगे। आई एम श्योर यार यहाँ से तो आप इजीली निकाल लोगे। ठीक है, क्योंकि कोई भी मैं नंबर दे दूँ आप लोग इजीली उसका क्या निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे, HCF निकाल दोगे। चार नंबर का भी आएगा तो आपको ऐसे ही करना है, उनमें कॉमन देखना है। भले जो बड़े नंबर होंगे उनको हम हमेशा डिवीज़न मेथड प्रीफर करेंगे HCF निकालने के लिए, जो कि हम आगे करने वाले हैं, उससे आपको चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी, क्रिस्टल क्लियर आपको हो जाएगा। मेरी गारंटी है आपको हर एक चीज़ समझाने की, हर एक चीज़ बताने की, कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होगी जो आपको समझ नहीं आएगी, समझ उसी को नहीं आएगा जो सिर्फ मेरी बात को सुन नहीं रहा होगा। बाकी कोई भी दिक्कत होती है मैं हमेशा आपके सपोर्ट में हूँ, आपको बस मेहनत करना है और बस प्रैक्टिस करते जाओ। प्ले लिस्ट सारी बना रखी है यार, कितने कंटेंट पूरा मिलेगा आपको। ठीक है, जहाँ आप कोई भी आपका सजेशन होगा, कोई भी आपका फीडबैक होगा तो कमेंट जरूर किया करो, मैं बार बार बोलता हूँ, बता दिया करो कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है। बाकी आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा जीरो टू हीरो सीरीज में, जो कनेक्शन जो कनेक्टिविटी हम लोगों की बन रही है मज़ा आपको आ रहा होगा। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी, आई रिपीट एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी। ठीक है, और ये सारा कुछ आपको मिलेगा Only 9999, ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, इसके बाद भी फिर भी आपके कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं, और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा। ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है, क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है, राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियाँ होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आपको आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो। ठीक है यार, देखो पीछे नहीं हटना है, अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है, राइट। तो कॉन्टैक्ट करो, और लिमिटेड सीट है, और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी। अब करेंगे हम HCF बाय डिविजन मेथड, ओके। तो डिवीज़न मेथड के लिए यार ऑब्वियसली आपको डिवीज़न करना आना चाहिए, और वो आई एम श्योर आपको आता ही होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर मैं आपको एग्जांपल ले लूँ कि हमें मान लो कोई क्वेश्चन आ गया कि आपको HCF निकालना है, ठीक है, HCF ऑफ, बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ पहले, ठीक है, HCF ऑफ 24 and 36, ठीक है, 24 and 36। आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो इजीली निकाल लोगे, मैं डिवीज़न मेथड से आपको निकाल देता हूँ। आपको क्या करना है, इसमें देखना है कि छोटा नंबर कौन सा है, जो सबसे छोटा नंबर होगा यहाँ पे 24 है, उससे हमने बड़े नंबर को डिवाइड करना है, बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है, 36 है, 24 से 36 को सबको डिवाइड करना आता है वन टाइम
जाएगा, माइनस करोगे 6 - 4 = 3 - 2 आपका 1 हो गया 12। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है कि सर अगर जो ये 12 है, अगर इस 12 की जगह मेरा रिमाइंडर यहाँ पे 0 आता, लिसन माई वर्ड केयरफुली, अगर यहाँ पे आपका 12 की जगह रिमाइंडर 0 आता तो जो हमारा यहाँ पे ये डिवाइजर था वो हमारा HCF हो जाता। क्यों? क्योंकि HCF क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वहाँ पे क्या है फैक्टर, फैक्टर क्या है जो डिवाइड करता है, और यहाँ पे ये क्या है डिवाइजर, डिवाइजर भी क्या है जो डिवाइड करता है। ओके, तो जब तक आपका यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता आपको ये डिवाइड करते ही जाना है। अब यहाँ पे अगर रिमाइंडर 0 आता तो 24 मेरा HCF था, बट रिमाइंडर 0 नहीं आया तो मुझे क्या करना है, इस 12 से मुझे फिर से जो ये पहले का डिवाइजर था 24 इसे मुझे डिवाइड करना है। और ये हो गया 12 * 2 = 24, रिमाइंडर 0 आ गया। जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ गया वहीं पे आपका जो डिवाइजर रहा होगा तो ये हमारा HCF आ गया, 24 and 36 का HCF क्या आया हमारा 12 आया। आ रही है बात समझ में? ऐसा करोगे, और जो ये वाला मेथड है ना, ये आपको जब आप 9th-10th में जाओगे वहाँ ये मतलब हर बारी क्वेश्चन आता है वहाँ, ठीक है। ये कुछ थ्योरम वगैरह भी कहलाती है वहाँ, कि वहाँ प्रॉपर इस पर एक चैप्टर रहता है कि आपको उसका HCF निकालना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे मेरा आपको HCF डिवीज़न मेथड से कैसे निकालना है वो सिखाता है। ये ज़्यादा सटीक होता है, ज़्यादा ईजी होता है, ज़्यादा एक्यूरेट होता है। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बड़े बड़े नंबर हम पे होते हैं उनका हम HCF अगर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते तो वो काफ़ी लेंदी हो जाता है, कभी कभार इससे निकालोगे तो ईजीली हो जाता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे उठा लेते ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। ओके, तो अच्छे से पढ़ो यार, और वीडियो को लाइक तो आपने कर ही लिया होगा, ठीक है। जो आपके वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं जबरदस्त, आपको इनमें मजा आ रहा होगा। अब ये तो आप कर लोगे कि सर 2 नंबर दे दो हम कर लेंगे, क्या अगर 2 से ज़्यादा नंबर आए, ठीक है, 3 नंबर आए 4 नंबर आए फिर हम कैसे करेंगे? प्राइम फैक्टर का तो आपको फंडा है, 2 नंबर हो तो उनमें हमें कॉमन ही देखना है, 3 नंबर भी होंगे कॉमन ही देखना है, 4 नंबर होंगे हमें उसमें कॉमन ही देखना है। लेकिन अगर हमें डिवीज़न में आए 3-4 नंबर हम कैसे करेंगे? तो मैं वही एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ, आपको मैंने एग्जाम्पल दिया 62 32, ठीक है, हमें HCF निकालना है 62 32 44 44 एंड एक और ले लेते हैं 58। इसका हमें क्या करना है, इन चारों का हमें HCF निकालना है। प्राइम से तो आप इजीली निकाल लोगे। ओके, तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, डिवीज़न मेथड में जो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर होगा, सबसे छोटा नंबर क्या है आपको दिखेगा सर 32 है, तो हमें इस सबसे छोटे नंबर से डिवाइड करना है किसको, इस 32 से जस्ट बड़े वाले नंबर को। 32 से बड़ा नंबर यहाँ पे क्या है अब 44 है, फिर 58 है, फिर 62 है। तो हमें सबसे पहले 2 सबसे छोटे नंबर लेने हैं, सबसे छोटे नंबर लिए मैंने 32, अब मुझे 32 से डिवाइड करना है किसको, जो यहाँ पे छोटा नंबर वो है मेरे यहाँ पे 44, तो मैंने 44 को करा, ये 1 टाइम जाएगा 32 1 = 32, आपने माइनस करा 4 - 2 = 4 - 3 आपका यहाँ पे 1 आया, ठीक है, इतनी बात। अब यहाँ पे जब तक मैंने बोला रिमाइंडर 0 नहीं आएगा आप करते जाओगे, 12 से आपने फिर किसको करना है, इस 32 को करना है। कितना टाइम जाएगा, 12 * 2 = 24 टाइम जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने 32 से 44 को करा, रिमाइंडर 12 आया, 12 से हमने फिर इस 32 को करना है, रिमाइंडर कितना आएगा 12 - 4 = 8, आपका यहाँ पे रिमाइंडर 8 आ गया, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, इस 8 से आप मुझे इस 12 को करना है क्योंकि अभी रिमाइंडर 0 नहीं आया। ऐसे करते जाओगे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, 8 * 1 = 8, कितना बचा 4, फिर मैं 4 से किसको करूंगा, अब मैं इस 8 को करूंगा, 4 * 2 = 8, रिमाइंडर मेरा 0 आ गया। तो यहाँ पे जो 4 था ये मेरा HCF आया, लेकिन ये किसका HCF आया, HCF ऑफ ये आया मेरा 32 and 44 का, 32 and 44 का मेरा HCF आया। अब मुझे क्या करना है, जो ये मेरा HCF आया 4, इस 4 से ही मुझे क्या करना है, एक एक करके इन दोनों को करना है, जो आपका ये 44 है और जो आपका ये 58, 44 तो खैर हमारा हो गया, 62 और 58 को सबसे पहले मैं जो HCF आया अभी हमारा इन दोनों का 4 से मुझे करना है किसको, इससे छोटे नंबर को, ठीक है, मतलब 44 से जस्ट बड़े नंबर को, और जो सबसे बड़ा था उससे छोटे को। तो 4 से 58 को करोगे, ये हो जाएगा आपका 4 * 1 = 4, यहाँ पे आया 1, यहाँ से आया 8, ये हो जाएगा 4 * 4 = 16, यहाँ पे आया 2, अब रिमाइंडर 2 आ गया, यहाँ उतारने के लिए भी मेरे पे कुछ नहीं है। अब मैं फिर जो रिमाइंडर आया इससे मैं किसको करूँगा डिवाइड, इस 4 डिवाइजर को करूँगा, और 2 * 2 = 4, ये आपका 4 आ गया, रिमाइंडर 0। तो यहाँ पे हमारा ये HCF आया किसका, HCF ऑफ 58 का आ गया, HCF 44 का आ गया, HCF 32 का आ गया। अभी हमारा एक नंबर बचा है, अब हमने क्या करना है, इस
जो एच सी एफ आई आर टू, इससे मुझे 62 को डिवाइड करना है। और ये तो आपको पता है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है, नंबर सिस्टम आपने करा होगा अच्छे से। तो यहाँ पे लास्ट में 02468 होता है, तो वो नंबर 2 से कम्प्लीट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये 2 से कम्प्लीट डिवाइड करेगा, तो हमारा जो फाइनल एच सी एफ आएगा वो 2 आएगा। ऐसे करोगे जब भी आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा नंबर होंगे तो एच सी एफ आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है भाई, क्लियर होगा सबको? बोलोगे सर ये तो लेंथी प्रोसेस है। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे नंबर है इसलिए आपको लेंदी लग रहा है। जब बड़े आएंगे जहाँ पे के प्राइम फैक्टराइजेशन में हॉच पॉच हो जाता है, वहाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है। बाकी जो आपको कंफर्टेबल लगता है, क्योंकि अपनी अपनी स्पीड होती है, अपनी अपनी कन्वीनियंट होती है, जो आपको कंफर्टेबल लगता है। मेरा काम था आपको हर एक चीज़ से रूबरू करवाना, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। ठीक है, चलो ये कर लोगे डिवीजन, एक और क्वेश्चन ले लो, क्योंकि आगे क्वेश्चन करने के लिए आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, तो ये आप आगे फिर क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसको कर लो। अगर मैंने आपको दिया कि आपको एच सी एफ फाइंड करना है, एच सी एफ ऑफ 132, ठीक है, 132 कॉमा 204 एंड एक नंबर और दे देता हूँ, 204 एंड 228, ठीक है, 228, इसका आप एच सी एफ निकाल सकते हो। दोनों मेथड से निकालने का ट्राई करो, आप प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकाल सकते हो और आप किससे भी निकाल सकते हो, डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसे आपका डिवीजन मेथड से निकालूं, सबसे छोटा नंबर है 132 से मुझे उससे जस्ट बड़े नंबर को डिवाइड करना है, यहाँ पे है 204। अब आपको यहाँ पे टेबल डिवीजन डिवीजन अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, ये वन टाइम ही जाएगा, 2 2 4, 2 3 6, 2 1 2, 264 ज़्यादा होगा तो ये वन टाइम जाएगा, तो 132 हो गया। माइनस करोगे 4 माइनस 2 2, यहाँ पे है 10, 10 माइनस 3 आपका 7 हो गया, यहाँ पे आपका 1 1 कैंसिल हो गया। अब मुझे 72 से डिवाइड करना है किसको, 132 को, तो 7 2 14, 2 2 4, 2 से ज़्यादा हो रहा है तो 1 टाइम ही जाएगा 72। माइनस करा 2 माइनस 2 0, 13 माइनस 7 आपका 6। अब मुझे फिर 60 से डिवाइड करना है किसको, 72 को, ये हो जाएगा 61 जो 60, यहाँ पे मिला मुझे 2 और यहाँ से मिला 1। अब मैं 12 से किसको करूँगा, 60 से करूँगा, 12 5 जो 60, रिमाइंडर 0। यहाँ पे मेरा अभी फिलहाल के लिए 12 क्या आ गया, एच सी एफ आई का, किस किस का, 132 एंड 204 का। अब मुझे जो ये 12 आया, इस 12 से मुझे चेक करना है कि ये एच सी एफ होगा 28 का कि नहीं होगा, डिवाइड कर लो। डायरेक्ट भी आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा ये देखो 12 1 जा 12 12 24, ज़्यादा हो रहा है, 2 माइनस 2 0, 2 माइनस 1, यहाँ पे आपका 10 आया, यहाँ से मैंने क्या ले लिया, 8 ले लिया, और 12 9 जा 108, ठीक है सर, रिमाइंडर 0 आ गया, 12 हमारा यहाँ पे फाइनल एच सी एफ आएगा। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस के लिए आप इसे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हो, और जहाँ प्रॉब्लम आएगी आप मुझे बताना, डेफिनेटली यार आपकी अच्छे से ऐसी प्रिपरेशन आपकी होगी ना, बिल्कुल ज़बरदस्त तरीके से करनी है आपको। ठीक है, चलो क्लियर हो गया, ओके। ये था आपका एच सी एफ निकालना किससे, प्राइम फैक्टराइजेशन से, डिवीजन से, दोनों मेथड से आपने सीख लिया होगा। पहले मैं इनके लास्ट मेट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा, अभी नहीं, अभी फिर सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट देखना है, क्योंकि ट्रिक करोगे तो हर बार ट्रिक आपकी नहीं लगने वाली। ठीक है, चलो फिर मैं आपको बताता हूँ। अब जो हमने एच सी एफ के बेसिक फंडे देखे थे, उसकी फुल फॉर्म वो हमने कर ली, निकालना हमने सीख लिया, एक बारी मैं अब आपको थोड़ा सा एल सी एम का भी बता देता हूँ कि एल सी एम आपको कैसे निकालना है। वो चीज़ आपको पता है, एल सी एम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, या आप उसे क्या कहते थे, लोएस्ट कॉमन डिविडेंड भी आप उसे कहते हो, डिविडेंड जो डिवाइड होता है, मल्टीपल जो डिवाइड होता है, हर एक चीज़ मैं आपको अभी तक बता चुका हूँ। ओके, तो इसमें आप लिख सकते हो इसे कि ये होता क्या है। ठीक है, तो मैं इसे लिख सकता हूँ कि एल सी एम ऑफ, जैसे आपने एच सी एफ वाली डेफिनेशन लिखी थी, सेम तरीके से मैं आपको यहाँ पे बताने का ट्राई करता हूँ, थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, अगर आपको एल सी एम एच सी एफ की जो बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, वो अगर आपको क्लियर हो गई होगी, ये चीज़ आपको बहुत आसान लगेगी। ओके, चलो, एल सी एम ऑफ टू और मोर देन टू नंबर, मोर देन टू नंबर। अब आप फिर समझ पा रहे होंगे कि सर इसमें अभी जब हम कॉमन देख रहे, तो हमें ऑब्वियसली कम से कम 2 क्वांटिटी होनी चाहिए। ठीक है, टू और मोर देन टू नंबर्स इज द, क्या होगा वो, मोर देन टू नंबर इज द लोएस्ट या स्मॉलेस्ट या लीस्ट, आप लिख सकते हो सबसे छोटा, इज द लोएस्ट नंबर विच, जो कि होगा क्या, विच कंप्लीट होगा, क्या होगा, विच कंप्लीट डिविजिबल बाई दोज नंबर। इसे क्या समझे भाई आप लोग, इसे क्या समझे आप लोग वैसे भी
जीनियस हो, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हो आप लोग, है ना। तो क्या समझे, अब इसको और HCF वाले को थोड़ा कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसमें देखो LCM क्या है, LCM ऑफ टू और मोर देन टू नंबर, दो या दो से ज़्यादा नंबर का LCM वो सबसे छोटा नंबर है विच कंप्लीट डिविजिबल बाई दोज नंबर, जो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। इसीलिए जहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था मल्टीपल में, मैंने आपको ये भी लिखवाया था जो डिवाइड होता है, तो यहाँ पे भी आप LCM में लिखोगे LCM हमेशा क्या होगा, जो डिवाइड होता है, LCM हमेशा डिवाइड होगा क्योंकि वो मल्टीपल है, और HCF में आपने लिखा होगा जो डिवाइड करता है, ठीक है। तो जिन नंबर का आप LCM निकाल रहे हो, जो LCM आएगा वो LCM उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होगा। HCF में क्या था, जो HCF आता था वो उन नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता था, यहाँ पे LCM कंप्लीट डिवाइड होगा। अगर मैं आपको छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल बताऊं ताकि आपको इस डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि LCM ऑफ, जैसे मैंने आपको छोटा सा एग्जांपल दिया कि LCM ऑफ 5 एंड 10, अभी हम निकालना सीखेंगे कि 5 एंड 10 का LCM क्या होता है। LCM ऑफ 5 एंड 10 इज, फिलहाल के लिए समझ लो कि वो 10 होता है, LCM ऑफ 5 एंड 10 इज 10। इट मींस इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, इट मींस 10 विल कंप्लीट डिविजिबल बाय 10, कंप्लीट डिवाइड होगा, 10 विल Complete divisible by 10 will complete divisible by both 5 and 10, 5 और 10 से complete divide होगा, और 10 वो सबसे छोटा नंबर है, 10 से छोटा ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो 5 और 10 से डिवाइड होगा। बताओ भाई यहाँ तक आपको चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई। HCF आपको निकालना तो अभी हम सीख रहे हैं, फिलहाल के लिए ये चीज़ तो यार आपको आई एम श्योर क्लियर हो गई होगी। फिर देखो अगर क्लियर आपको ये हो गई तो डिवाइड पर छुप गया, चलो कोई नहीं। अब देखो ये बेसिक फंडा आपको क्लियर हो गया कि LCM है क्या, ठीक है। फिर बोल रहा हूँ LCM डिवाइड होता है, HCF डिवाइड करता है, ये आगे जब क्वेश्चन आएंगे वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये आपका प्ले करेगा। अब हमें LCM निकालना सीखना है, होप आपको पता भी होगा, लेकिन यार अनटोल्ड कॉन्सेप्ट है, तो मेरा वही मोटो कि आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाना है, जीरो टू हीरो जो ये चल रही है, ठीक है। तो देखो भाई अगर हम पहले LCM सीख रहे हैं, LCM बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टर, वैसे इसके दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है, आपको इस वाले से नहीं करना है, जब भी आप LCM करोगे आपको दूसरे वाले से करना है, बट मैं आपको कॉन्सेप्ट के तौर पे कंप्लीट हो जाएगा वो बता देता हूँ। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें LCM निकालना है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन दिया मैंने आपको, जैसे कि LCM आपको निकालना है, LCM ऑफ जैसे 15 एंड 8 का हमें LCM निकालना है, तो हमने प्राइम फैक्टर करने, 15 के मैंने प्राइम फैक्टर करे, सबको अब करना आता ही होगा, सिखा रखा था, ठीक है। 3 5 15, 5 1 5, 8 के करोगे तो यहाँ से क्या मिला। अब देखो यहाँ पे आपको बिल्कुल केयरफुली ध्यान से समझनी है चीज़ों को, ठीक है, कि यहाँ पे होने क्या वाला है, ठीक है, यहाँ पे आपका होने क्या वाला है वो चीज़ आपको ध्यान से समझनी है। इसीलिए मैंने आपको पहले उल्टा क्वेश्चन उठा लिया, 2 4 2 2 4 2 1 2, ओके। मैंने 15 के फैक्टराइजेशन करा, मुझे मिला 3 into 5, मैंने 8 का करा, मुझे मिला 2 into 2 into 2। अब आपने यहाँ पे एक चीज़ देखनी है कि सर इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, फिर हमें कॉमन देखना था, 15 और 8 में यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जब जब आपको कॉमन नहीं मिलेगा हमें इन सब को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, क्योंकि कुछ भी यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो मैं इसे सीधे सीधे क्या कर दूंगा, सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। हो जाएगा 3 into 5 into 2 into 2 into 2, ठीक है। 3 5 15 15 2 30 30 2 60 62 120 आपका यहाँ पे LCM आएगा, 120 वो सबसे छोटा नंबर है जो 8 से भी डिवाइड होगा और 15 से भी कंप्लीट डिवाइड होगा, ठीक है भाई। आई इतनी बात आपको समझ में, इतनी बात आपको समझ में आई। फिर मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि आपको 10 का निकालना है और 5 का निकालना है, इन दोनों का आपको LCM निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। आप करोगे 2 5 10 5 1 5, इसे करोगे आप 5 1 5। अब यहाँ पर ध्यान से देखना हो क्या रहा है, हमने जब 10 के प्राइम फैक्टर करे तो मुझे मिला 2 into 5, और जब हमने 5 के करे मुझे मिला 5 ही मिला यहाँ पे। अब हमने यहाँ पे क्या देखना है, कॉमन देखना। देखो ये 5 और 5 यहाँ पे क्या था, कॉमन था, तो मैंने 5 को ले लिया, 5 को मैंने 1 ले लिया, जो अकेला छोटा वो भी आपको लेना है 5 2 10, ये यहाँ पे डिफरेंस है HCF का। जब आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपने उसका
HCF निकाला था नंबर का, तो वहाँ पे हम सिर्फ कॉमन को लेते थे, जो अनकॉमन होता था जिसका पेयर वेयर या जो कॉमन में नहीं आता था, जो सब में नहीं आता था, उसे हम छोड़ दिया करते थे यस सर। लेकिन यहाँ पे जो कॉमन आएगा उसे उसमें से तो एक आपने जो कॉमन आए वो ले लिया, जो अकेले छूटेंगे उन सब अकेले को भी आपको लेना ही लेना है। ये डिफरेंस है HCF के प्राइम फैक्टर और LCM के प्राइम फैक्टर। स्कूल के एग्जाम में ही आपसे पूछे जाते हैं, प्रॉपर क्वेश्चन आता है कि इनका LCM निकालो इस मेथड से, किस मेथड से, वो आपको दिया रहता है कि कौन से मेथड से निकालना है। आप किसी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो वहां ऐसा कुछ फंडा नहीं है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आपको सीधे MCQs आते हैं, वहां आप किसी भी मेथड से निकालो। लेकिन मेरा मोटो है कि आप जिस लेवल पे हो स्कूल का भी आपको ऑब्वियसली करना ही है वो भी आपको, तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट मैं दूं ताकि आप बिल्कुल खुश होकर के इंटरेस्ट के साथ पढ़ाई करते जाओ, ठीक है। इतने सारे बुझ चुका हमने इंटरेस्ट जगाया है पढ़ाई में, ठीक है। पहले किसी का मूड ही नहीं करता था कि कैसे करें, लेकिन जो करने का तरीका है मेरा, बिल्कुल जीरो से हीरो आप बन जाओगे, राइट। बस थोड़ा आप में पेशेंस होना चाहिए यार, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको? यस सर, इतनी बात आपको क्लियर हुई। फिर एक छोटा सा और एग्जांपल दूं मैं आपको ना समझाने के लिए। मैंने ना आपको क्या कर दिया, मैं ना आपको दो तीन नंबर दे देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो। मैंने आपको तीन या चार नंबर का ले लेते हैं, उसमें थोड़ा अलग फंडा है, ठीक है। इसे आप नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, लेकिन स्कूल में अगर आएगा इसलिए बता दे रहा हूँ ये, ठीक है। हमें LCM निकालना है, LCM ऑफ, अब ये प्राइम फैक्टराइजेशन ही चल रहा है, ठीक है। 8 का निकालना है, 15 का निकालना है, 24 का निकालना है, एंड एक और नंबर उठा लो, एंड 72 का कर लेते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, मैंने सबसे पहले 8 के प्राइम फैक्टराइजेशन करा, सबको पता है 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। फिर मैंने 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन करा, सबको करना आता है, मेरे से पहले कर लिया होगा, 3 5 15, 5 1 5। फिर मैंने 24 का करा, ये भी सबको करना आता है, 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, यस सर। फिर मैंने 72 का करा तो सबको आता है, 2 3 6, 2 6 12, ये होगा ना। फिर ये हो जाएगा आपका 2 1 2, 2 8 16, फिर 2 9 18, फिर 3 3 9, फिर 3 1 3, 72 का आपका हो गया। सबसे पहले देखो 8 के जो प्राइम फैक्टर आए 2 × 2 × 2, ओके सर। 24 के जो प्राइम फैक्टर आए, पहले 15 के कर लें, 15 के लिख लो, 3 × 5। बाद में आपको ऐसे लिखने की भी नीड नहीं पड़ेगी, लेकिन स्कूल में प्यार पूरा आपको समझाना होता है तो वहाँ तो आपको करना ही पड़ेगा, 1 2 3, और यहाँ पर फिर आपका क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है सर। एंड देन लास्ट इज 72 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 72, 2 × 2 × 2 × 3 × 3, ओके, यस सर, ओके। टिल नाउ एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, है ना। यहाँ पे थोड़ा अब आपको शेड्यूल में चेंज होता है। अभी तक हमने देखा यहाँ पे HCF को रिलेट मत करना, क्योंकि HCF में हम हमेशा हमेशा क्या देखते हैं, हर एक में होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 2 को देखा तो 2 इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सब में होना चाहिए। अगर वो सब में है तो हम उसे कहते हैं कि हाँ ये कॉमन है, हम फिर उसे HCF में ले लेते हैं। अगर यहाँ पे ये 2 नहीं था तो हम फिर उसे नहीं लेते थे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज है, यहाँ पे ना जब भी आप 3 से या 2 से या 2 3 4 कितने भी नंबर का आप निकाल रहे हो, अगर वो दो नंबर में, लिसन माय वर्ड केयरफुली, अगर वो दो नंबर में भी कॉमन है तो हम उसे ले लेते हैं एज अ कॉमन। क्या कहने का मतलब है, जैसे ये 2 है, 2 है, क्या यहाँ नीचे कहीं पे 2 है, सेकंड वाले में नहीं है लेकिन थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में है, ठीक है। एक में नहीं है लेकिन हम फिर भी क्या करेंगे, हम फिर भी इसको एज अ कॉमन ही ट्रीट करेंगे, भले इसमें नहीं था, हम फिर भी इन तीन, ये 2 2 2, इसमें से हमने एक ही 2 लेना है क्योंकि वो कॉमन थे। चाहे दो में भी हो, चाहे दो नंबर में भी हो, हमने ऐसे ही करना है। अभी एग्जाम्पल आएगा, फिर देखो ये वाला 2 है, यस सर, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, आ रही है बात समझ में, ये ऐसे चल रहा है, ये बन गया आपका, इनमें से भी आपका एक 2 आएगा, ठीक है। फिर देखो ये वाला 2 है, ये वाला 2 है और ये वाला 2 है, इनमें से भी आपका क्या आएगा, एक 2 आ जाएगा, क्लियर है, यस सर। फिर देखो ध्यान से सुनना, अब आपका देखो ये वाला 3 है, ये 3 है ना, और देखो कहीं 3 है, ये सर मुझे ये वाला 3 मिला और ये सर मुझे ये वाला 3 मिला, तो ये भी आपके फिर क्या हो जाएंगे, एज अ कॉमन हम इसे ले लेंगे कि हाँ भाई 3 नंबर, भले ये इस फर्स्ट वाले में नहीं था लेकिन हम तो उसे कोई मतलब नहीं है, अगर दो नंबर में भी होगा हमने उसे एज अ कॉमन ही ट्रीट करना है, हमने उसे अलग लिख लेना है, ठीक है। चलो फिर क्या बचा हमारा, 5 कहीं नहीं है ना, 5 कहीं नहीं है, ठीक है, तो 5 ऐसे आ जाएगा। उससे पहले देखो ऊपर कुछ बचा, नहीं बचा, नीचे कुछ बचा, 5, चलो पहले 5 को देख लो, 5 है, तो जो अकेले बचा है उसे लिख लो, ध्यान से सुनना इस बात को, जो अकेले रहेगा उसे आपको लिखना है, लिखना है। HCF में हम छोड़ देते हैं, यहां उसे लिखना पड़ेगा, 5 लिख लिया, इसमें कुछ बचा,
थ्री आ रखा है, इसमें कुछ बचा, ये वाला थ्री बचा, क्योंकि इसके लिए तो और कुछ कॉमन नहीं था ना, इस थ्री को हम अलग से लिख लेंगे अकेले। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, आपको एलसीएम मिलेगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा कितना होता है 120, 120। ठीक है, एंड 120 इंटू 3 करोगे 12 3 जा 36, 360 आपका एलसीएम आएगा। और अगर आप वेरीफाई करना चाहोगे हर किसी नंबर से, 360 आपका क्या होगा, कंप्लीट डिवाइड होगा, क्योंकि वो आपका क्या है, एलसीएम है। होप यार यहाँ तक ये चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। 2 × 2 × 2, 3 × 5 × 3, ये मैं फिर बोल रहा हूँ, स्कूल में बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि भाई इस मेथड से करो, कि यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन होती है आपको भी, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को यहाँ पे नई चीज़ पता चली होगी कि यार ऐसा भी होता है, ऐसा ही होता है, राइट। ठीक है, तो वीडियो को भाई लाइक कर दो, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी कर दो, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। इतनी बड़ी पूरा लेक्चर देखने के लिए आपको एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, है ना, नहीं तो फिर आपको क्या हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। पेशेंस आपके अंदर होना चाहिए, जल्दी जल्दी करोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें समझ नहीं आएगा सही से। ठीक है, हाँ कहीं पे अगर आपको लगता है कि हाँ सर ये हमें नॉर्मल लग रही है चीज़ें, आप वहाँ पे स्पीड बढ़ा सकते हो, आपका टाइम बच जाएगा, चीज़ भी क्लियर हो जाएगी, लेकिन स्किप मत करना है, ये ध्यान रखना, स्किप मत करना, फास्ट फॉरवर्ड में देख सकते हो लेकिन स्पीड स्किप नहीं करना है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आपका क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। दो का भी बताया जाए, तीन का भी, चार का भी, हर किसी में ऐसे करोगे, जहाँ पे तीन भी होंगे तो आप ऐसे करोगे। अब हमें जो करना है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड, या आप उसे कॉमन डिवीजन मेथड भी कह सकते हो। उसके बाद ट्रिक विक भी आएंगी आपकी, और भी मेथड होते हैं इसके एक दो, लेकिन बेसिक फंडे आपके यही हैं। ठीक है, और तो कॉमन वॉमन आपके पास कई तरीके आपको बता रखे होंगे कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। ठीक है, लेकिन वैसे में आदमी कभी कभार हम फंस भी जाते हैं, तो हमें फंसना नहीं है, हमें अपनी सिक्योरिटी भी रखनी। ठीक है, अब हम LCM करेंगे बाय डिवीजन मेथड। ये थोड़ी नाम का अलग है, बाकी ये भी प्राइम फैक्टराइजेशन की ही जैसे है। अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना आ गया तो सर आपको ये भी करना आ गया। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, कि हमें डिवीजन मेथड से करना है, इसी को ले लेते हैं, 24 एंड 72 का करना है, वेरीफाई भी हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी हमें डिवीजन मेथड से करना हो, और आप ट्राई करना पेपर में जब भी आप कर रहे हो तो आप डिवीजन मेथड से ही करो, इससे आपका सटीक और जल्दी आंसर आता है। मैंने लिया यहाँ पे एक 24, इसी के बगल में मैंने 72 भी लिख लेना है, और इनका हमें एक साथ प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। आपको चीज़ पता चल चुकी है कि यहाँ पे क्या होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन में हम अलग अलग है उनके प्राइम फैक्टर करते थे, फिर कॉमन वगैरह देखते थे, यहाँ पे हमें दोनों का फैक्टराइजेशन एक साथ करना है। स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या है, आपको पता है 2 है। सबसे पहले देखो इन दोनों में से क्या 2 से कोई डिवाइड हो रहा है, या सर दोनों हो रहे हैं, हमें डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा नंबर सिस्टम में, लेक्चर देख लो भाई। ठीक है, सीक्वेंस से चल रहा हूँ, जैसे मैं चल रहा हूँ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ठीक है, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से अभी हो रहा है 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी ये आपका चल रहा है। फिर 2 से होगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब देखो क्या इन दोनों में कोई ऐसा नंबर है जो 2 से हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो मैं अब 3 से कर लूँगा, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर अभी 3 है, 1 आना चाहिए आपका, है ना, 3 1 जा 3। अब इन सीधे सीधे इनको मल्टीप्लाई करो, आंसर आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कॉमन वॉमन का कोई लफड़ा नहीं है, है ना, सीधे आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे देखो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 3, 4 12 का 2 का 3 7, 72 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 24 एंड 72 का एलसीएम होता है आपका 72। क्लियर है, क्लियर है भाई, क्लियर है। अब जो अभी हमने क्वेश्चन करा था ना, उसका मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। देखो डायरेक्ट आपको आंसर आएगा, जो अभी हमने इससे पहले करे थे, चार नंबर थे 28, ठीक है, 8 15 24 72, ठीक है, उनका एक साथ करना, 8 15 24 72, प्रैक्टिस होगी आपकी, दबा के देखो। सबसे पहले देखो क्या इनमें कोई ऐसा नंबर है जो 2 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है, यस सर हो रहा है। 2 4 जा 8, 15 ऐसी है, 2 12 जा 24, 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, अभी भी 2 से हो रहा है, कर लो, 2 2 जा 4 कर लो, 15 ऐसी कर लो, 2 6 जा 12 कर लो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, अभी भी 2 से हो रहा है, 2 1 जा 2, 15 ऐसी, इसका तो हो गया ख़त्म, 2 3 जा 6 और ये 18, सॉरी 2 से तो हो रहा है ना, 2 9 जा 18, अभी भी 2 से हो रहा है कोई। अब देखो 2 से इनमें कोई भी नहीं हो रहा है, अब 3 से कर लो, देखो जो 2 से हो रहा है उसे कर लो, जो नहीं हो रहा है उसे ऐसे ही नीचे लिखते जाओ। अब ये 3 से हो रहा है, क्या होगा, 1 3 5 जा 15, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, फिर 3 से हो रहा है, 3 5 ऐसे आएगा, 1 3 1 जा 3, अब 5 से होगा, 5 1 जा 5,
ठीक है। अब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो आपको देखते हैं क्या मिलेगा। इनसे आप सीधे मल्टीप्लाई करोगे ना, आपको डायरेक्ट आंसर मिलेगा। और अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करोगे, थोड़ा सा पीछे देखोगे, जो अभी हमने प्राइम फैक्टराइजेशन में करा था, जब हमने वहाँ पे कॉमन वॉमन को देख लिया था, तो आपको डायरेक्ट ये नंबर मिले थे। तो यहाँ पे ये फायदा कि डायरेक्ट आपको नंबर मिल जाएगा। 2 2 4 4 2 8 8 24 24 3 72 होता होगा, और 72 × 5 करोगे तो 5 2 10 का 0 carry 1, 5 7 35 1 36, 360 यहाँ से भी आ गया। ठीक है भाई, तो आंसर हमेशा ऐसे आएंगे। तो ये चीज़ है आपकी, बाकी कोई दिक्कत होगी तो बता देना। एक आप लोग यहाँ पे होमवर्क लिखो, फिर हम आगे करते हैं। इसका आंसर कमेंट करना, क्योंकि मुझे पता है आप लोग इजीली कर लोगे। ठीक है, नहीं करोगे तो बता देना, मैं फिर इसको आंसर कर दूंगा आपको कमेंट में। ठीक है, एलसीएम आपको निकालना है, 28 का निकालना है, 35 का निकालना है, ठीक है, 36 का निकालना है, एंड आपका किसका निकालना है, एंड आपका किसका निकालना है, 84 का निकालना है। ठीक है, एलसीएम ऑफ 28, 35, 36 एंड 84 का आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना, आंसर मुझे कमेंट कर देना। ठीक है, यहाँ पे आपका ये चीज़ हो प्यारा, आप इजीली समझ गए होंगे कैसे आपको यहाँ पे चीज़ों को करना है। ओके, डिवीजन मेथड भी अच्छे से करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी आपको अच्छे से करना है, चाहे वो आपका एचसीएफ हो चाहे वो आपका एलसीएम हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, एलसीएम ऑफ, मतलब जो फ्रैक्शन होती है, फ्रैक्शन का हमें एलसीएम निकालना है, फ्रैक्शन का हमें एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब आपका इसमें क्या, एच सी एफ ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हमें एच सी एफ निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला टाइप का होता है, एक बारी मैं वो आपको लिखवा लेता हूँ। जब भी आपको कोई भी फ्रैक्शन दे रखी हो, उसका आपको एच सी एफ निकालना हो, तो हमें पता है कि सर एच सी एफ अगर हम फ्रैक्शन का निकाल रहे, तो फ्रैक्शन में दो टर्म्स होते हैं, दो चीज़ें होती हैं। क्या होता है, एक न्यूमरेटर होता है और एक आपका डिनोमिनेटर होता है। ये बात सबको क्लियर है। तो मुझे क्या करना है, मुझे न्यूमरेटर का तो मुझे एच सी एफ निकाल लेना है। इसको ध्यान से समझना, न्यूमरेटर का मुझे क्या निकाल लेना है, एच सी एफ, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, और अपॉन में क्या हो जाएगा, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर, बस इतना आपको करना है। आपको जितनी भी फ्रैक्शन दी गई हो, अभी एग्जांपल दूंगा, 2 फ्रैक्शन 3 फ्रैक्शन 4 फ्रैक्शन, आपको अगर उनका एच सी एफ निकालने को बोला जा रहा है, तो हमने उस फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर्स होंगे, हमने न्यूमरेटर का एच सी एफ निकालना है और डिनोमिनेटर का हमने एल सी एम निकालना है, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, यस सर। फिर हमने क्या लिखना है, ये भी मैं आपको लिखवा लेता हूँ, एल सी एम ऑफ फ्रैक्शन, लगे हाथ हम इसे भी निपटा लेते हैं, एल सी एम ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का हमें क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का तो हमें एल सी एम निकालना है, एल सी एम ऑफ न्यूमरेटर, ठीक है, एंड डिनोमिनेटर का हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, एच सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब तुम इसे रिलेट कर पा रहे होंगे कि सर जब हमें एच सी एफ निकालना होगा, तो एच सी एफ का सीधे ऊपर ऊपर एच सी एफ कर दो, मतलब न्यूमरेटर का एच सी एफ निकाल दो, और जब भी हमें एल सी एम निकालना होगा, तो ऊपर एल सी एम, न्यूमरेटर का एल सी एम निकाल दो। ठीक है, जस्ट अपोजिट ये होता जाएगा। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। जस्ट मैं अगर आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, छोटा सा एग्जांपल दे दूँ, ठीक है, एग्जांपल मैंने दिया आपको कि हमें एच सी एफ निकालना है, ठीक है, आपको छोटा सा बिल्कुल एच सी एफ हमने निकालना है, ठीक है, एच सी एफ दे दिया आपको 2/3 and 6/7, ठीक है, 2/3 and 6/7 का हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है। हमें पता है कि सर एच सी एफ का जो फॉर्मूला है, फ्रैक्शन का एच सी एफ निकालने का जो फॉर्मूला है, कि हमें न्यूमरेटर का एच सी एफ निकालना है। यहाँ पे न्यूमरेटर क्या है, एच सी एफ ऑफ 2 and 6, ये आपके क्या है, 2 और 6 क्या है, न्यूमरेटर्स है, हमने इनका एच सी एफ निकाला हो, पता ही होगा आपको एच सी एफ कैसे निकालना है, अभी तो सिखा ही रखा है। ठीक है, तो 2 और 6 का एल सी एम आएगा, एच सी एफ आएगा 2। ओके, फिर हमने क्या करना है, एल सी एम निकालना है, एल सी एम किसका निकालना है, 3 and 7 का निकालना है, और आपने अभी जस्ट सीखा एल सी एम निकालना, 3 और 7 का कितना आएगा, 21 आएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा, 2/21 होगा, क्योंकि फॉर्मूला ऐसा है, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एल सी एम ऑफ डिनोमिनेटर। तो ये हो गया हमारा 2/21 आपका आंसर आएगा। अब आई एम श्योर आप लोग चीज़ को समझ चुके हो कि सर बेसिक फंडा क्या है, हम उस चीज़ को समझ चुके हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन एग्जाम्पल और हम कर लेते हैं। तो इस तरीके से करना है भाई आपको, बाकी ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस आप जितनी करोगे, मैं बार बार बोलता हूँ, आप ना चीज़ों के साथ जितना टाइम स्पेंड करोगे, आपको चीज़ें उतनी आसान लगती जाती है ना। आपने देखा होगा जनरली जो भी आपके दोस्त वोस्त होते हैं, आप उनके साथ जितना टाइम स्पेंड करते हो, आपको वो उतने समझ आते हैं कि हाँ भाई इसका मेन फंडा क्या है, इसके माइंड में क्या है, है ना, ये क्या चाह रहा है, इसका माइंड सेट कैसा है। तो वही चीज़ है, आप जितना टाइम स्पेंड करते हो, आपको चीज़ें उतनी आसान होने लग जाती है, आप उनको उतना ज़्यादा समझने लग जाते हो। ठीक है, इसका निकालो, अब आप समझ
समझ गए होंगे कि सर हमें HCF निकालने को बोला जा रहा है, तो हमने सिंपल क्या करना है, न्यूमरेटर्स का हमने HCF निकालना है, HCF ऑफ 1 का निकालना है, 3 का निकालना है एंड किसका निकालना है, 4 का निकालना है। 1, 3 एंड 4 का जब हम HCF निकालेंगे, सबको पता है यार क्या निकलेगा HCF, सर HCF 1 निकलेगा, ये तो मैं देख के ही करवा ले रहा हूँ, आप लोग भी कर सकते हो। यहाँ पे 1 तो 1 का 1 ही होना है, 3 प्राइम नंबर है, कोई उसे डिवाइड नहीं करेगा, और जिनका कोई भी कॉमन नहीं होता है वहाँ पे हमेशा आपका HCF 1 आता है, तो यहाँ पे 1 आ गया। फिर हमने यहाँ पे LCM निकालना है, LCM ऑफ डिनोमिनेटर थे मेरा 2, 4 एंड 5, तो इसका आएगा 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, इसका आएगा आपका 20, तो हमारा फाइनल आंसर हो गया 1/20, हमारा इस फ्रैक्शन का क्या हो गया, इन फ्रैक्शन का हमारा क्या निकल गया, HCF निकल गया, बहुत सिंपल था। ठीक है, LCM की बात करते हैं, ओके भाई LCM की बात करते हैं, समझ भाई आपको आ रहा होगा तो वीडियो को तुरंत लाइक आपको कर देना है और कमेंट जरूर किया करो कि आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, और जहां दिक्कत आती है आई एम ऑलवेज विद यू गाइस, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है। ठीक है, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप अपनी क्वेरीज दे सकते हो, बट जिसको जेन्युइन प्रॉब्लम होती है वही करना, अननेसेसरी नहीं करना है यार, है ना, बाकी मेहनत करनी अच्छे से, हर एक चीज़ यार मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ये चीज़ आप देख रहे हो। ठीक है, अब आपने LCM निकालना है किसका, फ्रैक्शन से मैं आपके सामने शो कर देता हूँ, फ्रैक्शन है आपके सामने 5/2, 8/9, तीन फ्रैक्शन कर लेते हैं ना, दो का तो आप इजीली कर लोगे, एंड 11/14। ठीक है, 11/14, इनका आपको क्या निकाल लेना है, LCM निकालना है। अभी तो सर हमने सीखा था कि जब भी हम LCM निकालेंगे फ्रैक्शन का, हमने न्यूमरेटर का निकालना है LCM, तो LCM ऑफ 5 का निकालेंगे, 8 का निकालेंगे एंड 11 का निकालेंगे, इनका आप LCM निकाल के देखो आपको आंसर क्या आएगा। अब LCM निकालना तो यार सबको आता होगा, ठीक है, न्यूमरेटर्स का LCM निकाला तो ये आंसर मिलेगा आपको 440 मिलेगा, ये आंसर आपको, ठीक है, 440 मिलेगा, क्योंकि 11 वैसे प्राइम है, 5 भी प्राइम है, ठीक है, 440 आप सबको मल्टीप्लाई करा होगा। ठीक है, ओके सर, फिर हमने क्या करना है, HCF निकालना है, HCF ऑफ डिनोमिनेटर है मेरा 2 है, 9 है, 14 है। अब बताओ यहाँ पे तो आपको डेफिनेटली दिख रहा होगा कि सर इसका HCF क्या आएगा, क्योंकि 2, 9 फिर आपका ऑड नंबर हो गया 2 से, तो उसने होना भी नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या आ गया, 1 आ गया, फाइनल आंसर आया हमारा 440/1, और फाइनल आंसर हमारा 440 ही आएगा। ठीक है भाई, बात ठीक है, बात ऐसे करोगे आप लोग LCM, ठीक है, ये हो गया आपका क्लियर। तो अब आप कोई भी आपके सामने फ्रैक्शन होंगी, ठीक है, आप उसका HCF LCM निकाल लोगे, इसीलिए मैंने आपको बोला अगर आपका बेसिक क्लियर है ना कि भाई हमें LCM कैसे निकालना है, वो आपको पता है, HCF कैसे निकालना है वो आपको पता है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन आपके सामने कुछ भी आया यार आप उसे इजीली निकाल लोगे। ओके, फिर देखो इतनी बात जब हमारे यहाँ पे क्लियर हो गई, अब हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, ठीक है, बाकी क्वेश्चन होंगे आपके आगे, ठीक है, क्वेश्चन की टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन बिल्कुल ज़बरदस्त होंगे, मस्त होंगे। ठीक है, जैसा कि आपका नंबर सिस्टम आया, सिंप्लीफिकेशन वगैरह आया, ठीक है, जो भी आपके चैप्टर्स आ रहे हैं उनमें हम क्या कर रहे हैं, पहले कॉन्सेप्ट देख, लास्ट में ज़बरदस्त उसके क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन और अलग से भी होंगे। ठीक है, देखो यार एक बार अगर मैंने आपको चीज़ बता दी तो आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आएंगे ना आप उन्हें खुद से भी कर सकते हो, है ना, एक बारी मैंने आपको बोल दिया कि भाई आपको यहाँ जाना है और रास्ता ये है, आपको यहाँ से यहाँ जाना है रास्ता ये है, एक बारी मैं आपको लेके चला गया, इन केस कभी अगर मैं आपके साथ नहीं हूँ तो आप पॉसिबिलिटी है कि खुद भी जा सकते हो, है ना, तो कॉन्सेप्ट को ये आपको यहाँ कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, बोल रहा है कि भाई ये है कॉन्सेप्ट, ऐसे ऐसे करना है, कभी अगर मैं नहीं भी हूँ आप उसे इजीली कर लोगे, मतलब आपके पास कोई भी बुक होगी, कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप उसे कहीं ना कहीं समझ जाओगे कि भाई यहाँ पे क्या चीज़ चल रही है और क्या यहाँ पे होने वाला है। ओके भाई, तो अब नेक्स्ट हम इसमें करेंगे आगे, इस पे मतलब जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, अभी हमने जो नॉर्मल देखा कि भाई फ्रैक्शन का कहा है ना, आपने HCF निकालना सीख लिया, LCM निकालना सीख लिया, अब मतलब किस किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे बन सकते हैं उन चीजों को हम थोड़ी यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यार बेसिक देखो, फर्स्ट जो आपको टाइप आ सकता है सबसे बेसिक से मैं लेके चल रहा हूँ यहाँ पे, आपने यार इस तरीके का फॉर्मूला देखा होगा, हर किसी ने देखा होगा ये फॉर्मूला, ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF into LCM, है ना, आई एम श्योर आपने ये फॉर्मूला देखा होगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF into LCM। यहाँ पे ए क्या है, ए यहाँ पे होगा आपका कोई भी नंबर हो सकता है, फर्स्ट नंबर मैं उसे मान देता हूँ, अभी बताऊंगा जस्ट देखते रहो, फर्स्ट नंबर। बी यहाँ पे कोई भी एक नंबर होगा जिसे हम यहाँ पे सेकंड नंबर कह सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, बट ये बहुत बेसिक चीज है ना। अब यहाँ पे देखो इस ए इंटू बी का मतलब क्या है कि दो नंबर है, हमने उनको मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसे हम क्या कहते हैं, कई बार मैंने आपको बता रखा है, उसे हम प्रोडक्ट कहते हैं। इस फॉर्मूले को कई बार ऐसा भी लिखा होता है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स,
दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, ध्यान से देखना, ए इंटू बी, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? अगर मैं उन दो नंबर का HCF निकालूं और उनका LCM निकालूं और उसको मल्टीप्लाई करूं, अभी एग्जांपल दूंगा, उनको मल्टीप्लाई करूं, तो हमें HCF और LCM को मल्टीप्लाई करने से वही नंबर मिलेगा जो मुझे उन दो नंबर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई करने से मिलेगा। ठीक है, ये हमेशा होता है। ओके, या इसको ऐसा भी लिखा होता है, कंफ्यूज नहीं होना आपको, अगर कभी ऐसा भी लिखा होगा कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, तीनों ये एक ही बात है भाई, तीनों ये आपकी एक ही बात है। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल टू, ये होगा आपका क्या, HCF into LCM। अब यहाँ से आपको तीन तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या तो आपका फर्स्ट नंबर दे रखा होगा, सेकंड नंबर आपको फाइंड करना है, HCF आपको दे रखा होगा, LCM आपको दे रखा होगा। ठीक है, या तो आपको मतलब HCF LCM दे रखा है, एक नंबर दे रखा है, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है, आपको फर्स्ट नंबर दे रखा है, सेकंड नंबर दे रखा है, दोनों नंबर आपको दे रखे हैं, आपको HCF दे रखा होगा, बोला जाएगा LCM निकालो, या तो आपको LCM भी दे रखा होगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि आपको HCF निकालना है। आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। तीनों फॉर्मूला यहाँ पे जो मैंने लिखा है एक ही फॉर्मूला है, वो उसी के अलग अलग वेरिएंट है। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ, एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। जैसे मैंने आपको बिल्कुल बेसिक सा एग्जाम्पल दिया, ठीक है, कि मेरे पे दो नंबर थे, ठीक है, कि मैंने दो नंबर ले, दो नंबर उठा लिए मैंने, दो नंबर, ठीक है, टू नंबर, और जैसे एक नंबर लिया मैंने, बिल्कुल बेसिक ले रहा हूँ, एक नंबर लिया मैंने 14, एक नंबर लिया मैंने आपके पास 22, चलो हम इसे मान लेते हैं 22, हम इसे मान लेते हैं। अब हमने बोला अगर आप इनका HCF निकालोगे, ठीक है, ध्यान से देखना, HCF ऑफ 14 एंड 22, अगर आप इनका HCF निकालोगे आपको क्या मिलेगा? अब ये तो यार आपको निकालना आता है, 2 मिलेगा, और अगर मैं इनका LCM निकालूं, किसका LCM ऑफ 14 का निकालू एंड 22 का निकालू, आप LCM निकालोगे, आई थिंक आपको मिलेगा 308, ठीक है, 308 नहीं 154 मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा 154, निकाल लेना, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूँ आपने अब इतनी प्रैक्टिस तो कर लिया है, ठीक है, पहले पूरा आपने लेक्चर देख लिया है तो आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। ठीक है सर, हाँ इतनी बात हमें क्लियर हो गई। अब मैं फॉर्मूले में रखू, फॉर्मूले लिखा ए इंटू बी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करो, नंबर यहाँ पे क्या है, एक नंबर है 14, दूसरा नंबर है 22, मैंने उनको मल्टीप्लाई करा, इसी को मैं प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, इसी को मैं फर्स्ट नंबर भी कह रहा हूँ, सेकंड नंबर भी कह रहा हूँ, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी और होनी भी चाहिए। ठीक है, अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूँ तो ये इक्वल आएगा किसके, अगर मैं HCF और LCM को मल्टीप्लाई करूँ, HCF आया मेरा यहाँ पे 2 और LCM आया मेरे यहाँ पे 154, चलो मल्टीप्लाई करते हैं, 14 टू जा 28 का 8 कैरी 2, 14 टू जा 28 और 28 2 कितना होगा 30, 308 हो गया। ठीक है सर, इसे मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1, 2 प्लस 1, बताओ यहाँ भी 308 मिला, यहाँ भी 308 मिला, तो ये है इस फॉर्मूले का पूरा फंडा, मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, इस पे आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, जैसे कि बेसिक मैं आपको क्वेश्चन लिखवा देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, है ना, तो इस तरीके से करना है आपको, बहुत बढ़िया तरीके से करो, कोई भी प्रॉब्लम आपको झुका नहीं सकती। ठीक है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, साथ साथ लिखते जाओ क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर है मेरे पे और उनका प्रोडक्ट मुझे दे रखा है, प्रोडक्ट मतलब जो आंसर मल्टीप्लाई करके आता है, ठीक है, 144 दे रखा है, एंड कंडीशन देखो आपको क्या दे रखा है, एंड देयर HCF, और उनका जो HCF मुझे दे रखा है, एंड देयर HCF इज 8, HCF मुझे 8 दे रखा है। अब आपको बोला फाइंड द LCM ऑफ, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स, आपको नंबर्स का LCM फाइंड करना है, फाइंड द LCM ऑफ द नंबर्स, आपको फाइंड करना है LCM। ठीक है, अब देखो बात को, समझो बात को, फॉर्मूला आपको हमेशा पता होता है कि A into B is equal to HCF into LCM, कोई भी वेरिएंट आप इसका याद रख सकते हो, दो नंबर का प्रोडक्ट मुझे दे रखा है 144, तो मैं सीधे जो ये मल्टीप्लाई है दो नंबर को, मैं सीधे इसकी जगह क्या लिख लूंगा, यस सर 144 लिख लूंगा, इज इक्वल टू HCF मुझे दे रखा है 8, तो मैंने यहाँ पे 8 लिख लिया, इनटू LCM मुझे नहीं दे रखा है, मुझे LCM सर फाइंड करना है। ठीक है, अब आपको ये चीज पता होगी, सिंप्लीफिकेशन में मैंने आपको कई बार बता रखा है, मुझे इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन मार्क के साथ जो कुछ भी होगा उसे आपको इक्वल के दूसरी साइड ले जा देना है। तो अगर मैं इसे दूसरी साइड ले जाऊंगा, क्योंकि ये यहाँ क्वेश्चन मार्क के साथ दिख रहा है आपको मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कई बार मैंने आपको ये बता रखा है। ठीक है,
चलो अब 8 से डिवाइड करोगे, 8 वन जा 8, वहां पे बचा 664 और 8 8 जा 64, आपका आंसर आया 18। इट मींस आपका एलसीएम आया कितना, हमारा एलसीएम आया कितना 18। आ रही है भाई बात समझ में, तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, ऐसे करोगे क्वेश्चन, ठीक हो गया, बताओ भाई ठीक हो गया? यस सर बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हो गया तो क्वेश्चन करते हैं ना, ठीक हो गया तो क्वेश्चन करो, जरा लाजवाबदार क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आपको दिया क्वेश्चन दे रखा है मैंने कि द एचसीएफ एचसीएफ एंड एलसीएम, दूसरे टाइप का क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर, दो नंबर है मेरे पे, उनका एचसीएफ दे रखा है, उनका एलसीएम दे रखा है। ठीक है, एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू नंबर आर। भाई देखो, जो प्रॉपर मेरे लेक्चर देख रहा होगा ना, आई एम 100% श्योर, मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आपको हर एक चीज क्लियर हो रही होगी जो भी मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और मैथ तो यार आपको बिल्कुल पानी पानी आप लोग कर दोगे अच्छे से। ठीक है, इफ वन ऑफ द नंबर, बस सीक्वेंस से देखते जाओ और जहां प्रॉब्लम आती है आप बता सकते हो, आई एम ऑलवेज विद यू गाइस। ठीक है, कोई भी दिक्कत होती है मैं हमेशा आपके साथ हूँ। ठीक है, ऑफ द नंबर इज 56। ठीक है, 56 है, फाइंड द, इसलिए देखो पूरा कंटिन्यू रख रहा हूँ आपको। ठीक है, पूरा वन शॉट लेक्चर चल रहे हैं कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, एक बारी में आप क्लियर कर लो। ठीक है, और कई लोग बोलते हैं कि सर ऐसा वैसा, आप क्या ही कहें, जिसको करना होगा वो तो कर ही लेगा बैठे, उसे तो कंटेंट चाहिए, जबरदस्त कंटेंट उसे मिल रहा है ना। चलो, ये भी आपको साफ साफ दिख गया होगा कि सर यहाँ पे क्या होने वाला है आपका, है ना, यहाँ पे क्या क्या दे रखा है वो चीज आप लोग नोट कर सकते हो। सर मुझे यहाँ पे HCF दे रखा है, ठीक है, ये देखो मुझे यहाँ पे HCF दे रखा है कितना 8, LCM दे रखा है कितना 336, वन नंबर दे रखा है 56, फाइंड द अदर नंबर। ठीक है, तो फॉर्मूला आपके पास बरकरार आ रहा है, ए इंटू बी इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ओके सर, है ए मुझे दे रखा है भाई कितना, अब देखो वन ऑफ द नंबर, एक नंबर मुझे दे रखा है, अभी मैंने आपको लिखाया था ना कि ये वाला फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर वाला है ना, तो फर्स्ट नंबर यहाँ पे मुझे दे रखा है कितना, दे रखा है 56 दे रखा है, तो मैंने ए की जगह क्या कर लिया 56 कर लिया। इनटू बी, दूसरा नंबर मुझे फाइंड करना है, इज इक्वल टू HCF मुझे दे रखा है, HCF मुझे कितना दे रखा है, HCF देखो मुझे 8 दे रखा है, एंड LCM देखो पहले HCF है तो जो नंबर पहले होगा वो आपको लिख लेना है HCF, LCM है आपका 336। अब बताओ कर लोगे इसे इजीली, मुझे b की वैल्यू चाहिए। अब देखो मैंने सिंप्लीफिकेशन में आपको बता रखा है, पहले ही मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, आपको उसे सिंप्लीफाई करने का ट्राई करना है। मुझे b की वैल्यू चाहिए तो b इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 336, ये तो यही था, ये 56 b के साथ मल्टीप्लाई में है, इक्वल के दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब आपको इसे सिंप्लीफाई करना है और सिंप्लीफाई में तो आप माहिर हो क्योंकि मैंने आपको बताई रखी है चीजें। ठीक है, 8 से आप 56 को कट कर दो, 8 7 जा 56, अब मेरे पे यहाँ पे क्या नंबर बचा, मेरे पे सर यहाँ पे नंबर बचा, ऊपर बचा मेरे पे 336, नीचे बचा मेरे पे 7। अब तुम लोग इसे 7 से कंफर्टेबली इजीली डिवाइड कर लोगे। ठीक है, 7 4 जा 28, 3 बचा, सॉरी 7 4 जा 28, 5 बचा 56, 7 8 जा 56, 48 आपका आंसर आ गया। ओके है दोस्त, ऐसे करोगे भाई। ठीक है, तो बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर हो गया। चलो क्लियर हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर कर लेते हैं। आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ, अब यहाँ पे सीधे आपको फिर से प्रोडक्ट दे दिया। ठीक है, कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, और वीडियो को लाइक कर दो भाई, पहले ही कर लो, अभी कर लो तुरंत। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो उसे भी कर लेना, और जहां प्रॉब्लम आएगी तो बता देना, जबरदस्त आपकी क्लासेस चल रही हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर 54, पता क्या होता है, कई बच्चों को ना पता ही नहीं चलता है कि सर वहां जबरदस्त क्लासेस देते हैं, जबरदस्त कंटेंट देते हैं, अब जब उन्हें लास्ट मोमेंट पे मिलता है ना, फिर वो बोलते हैं कि सर हमें पहले पता नहीं चला ये वो सो, है ना। इफ द एच सी एफ ऑफ डोज नंबर, अब ये बहुत बेसिक मैं आपको क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ये पता है जीरो से हीरो आपको बनाना है, तो इस प्रोसेस से होकर के आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है भाई, then find LCM, आपको LCM find करना है यहाँ पे। ओके, बस आपको जो चीज दे रखी है उसको लेके चलना है, फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि सर a into b is equal to HCF into LCM होता है। ठीक है सर, होता है। अब a मुझे क्या दे रखा है, a और b मुझे इस बार सीधे मल्टीप्लाई करके दे दिया उन्होंने, प्रोडक्ट दे दिया, तो मैं a into b की जगह क्या लिख लूंगा 54 लिख लूंगा। HCF क्या है सर, HCF is 3 and LCM, LCM we have to find LCM, चलो LCM तो find करना है। ये तो सीधा आपको दिख रहा है कि सर LCM is equal to क्या हो जाएगा 54 divided by 3 हो जाएगा,
व्हाट विल बी आंसर 18 3 54 18 विल बी योर एलसीएम वेरी सिंपल क्वेश्चन ठीक है 18 क्या आ गया एलसीएम आ गया ओके सर वेरी नाइस मजा आ गया क्वेश्चन करके ठीक है मजा आ गया तो फिर से एक और क्वेश्चन यहीं पे मैं आपको करवा देता हूं ठीक है इसको भी थोड़ी देखो कि द एचसीएफ एंड एलसीएम एचसीएफ दे रखा है एलसीएम दे रखा है ऑफ टू नंबर्स ऑब्वियसली दो नंबर का होगा ऑफ टू नंबर्स आर 13 गॉट इट यस सर एंड एलसीएम जो दे रखा है 1989 ओके सर नो प्रॉब्लम इफ वन नंबर इज वन नंबर जो आपको दे रखा है 117 दे रखा है देन फाइंड अदर नंबर सिंपल है सर आई विल डेफिनेटली डू इट वेरी गुड ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए ठीक है सर कर लेते हैं फॉर्मूला कितनी बार लिखा अब तो तुम लोग बोर हो गए होगे फॉर्मूला लिखते लिखते है ना तो ऐसे ही लिखना है ताकि आपको याद हो जाए ए इंटू बी ए नंबर मुझे दे रखा है 117 दूसरा नंबर मुझे बी फाइंड करना है एच सी एफ सर मुझे 13 दे रखा है एलसीएम मुझे 1989 फाइंड करना है ठीक है आई मीन एलसीएम तो दे रखा है मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो जब मुझे बी की वैल्यू चाहिए तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर 13 × 1989 अपॉन में क्योंकि ये 117 बी के साथ मल्टीप्लाई था तो इक्वल के दूसरी साइड जाके वो डिवाइड हो जाएगा अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा देखना है मैंने बोला टेबल अच्छे से लर्न कर लो है ना आप इसे पहले मल्टीप्लाई करोगे तो वो बड़ा चला जाएगा हमें उसे कॉम्प्लिकेट नहीं करना है सिंप्लीफाई करना है जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आपको चीजें क्लियर होती जाएंगी आपको एक चीज पता होगी कि सर 13 नाइनजा होता है 117 अगर आपको टेबल पता होंगे तो बिल्कुल सर हमें पता है आप क्या हमें ऐसा समझ तो सब पता है ठीक है तो यहाँ से क्या हो जाएगा b इज इक्वल टू क्या बचा ऊपर बचा 1989 नीचे बचा आपका 9 अब 9 से तो आप इसे इजीली डिवाइड कर लेते हो 9 2 18 यहाँ पे बचा 1 9 2 18 वहां पे 9 9 1 9 तो 221 हमारा दूसरा नंबर हमें इजीली मिल गया बताओ भाई अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या यस सर वी विल डेफिनेटली डू इट वेरी गुड ठीक है आप इजीली इसे कर लोगे अब एक यहाँ पे छोटा सा होमवर्क आप लिख लो और उसका आंसर मुझे कर दो अभी ठीक है वो आपका थोड़ा सा आपको फील देने के लिए ठीक है कि द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स हर एक टाइप बताऊंगा हर एक चीज आपको बताऊंगा ठीक है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज 2079 ठीक है एंड एलसीएम दे रखा है अब मैं एचसीएफ देता हूँ एंड एच सी एफ इज 27 एच सी एफ 27 है तो आपको बोला इफ फर्स्ट नंबर जो आपका फर्स्ट नंबर होगा इफ फर्स्ट नंबर इज 189 अगर आपका फर्स्ट नंबर 189 है ठीक है देन फाइंड सेकंड नंबर इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो वो भी आप लोग कर सकते हो ठीक है बिल्कुल कर सकते हो एक और क्वेश्चन लिख लो यहीं पे एक और क्वेश्चन लिख लो प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी अच्छे से बाकी और क्वेश्चन तो हमने लास्ट में करना है ताबड़तोड़ वाले क्वेश्चन है ना कि एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स आर 4125 एंड 25 ओके सर 25 इफ वन नंबर एक नंबर आपको दे रखा है कितना दे रखा है इफ वन नंबर इज 375 देन फाइंड अदर नंबर आपको भाई दूसरा नंबर फाइंड करना है देन फाइंड अदर नंबर आंसर आपको कमेंट में मुझे कर देना ठीक है ये था आपका जो हमने नॉर्मल से यहाँ पे देखा था कि अगर कभी इस टाइप का आपको हो ए इंटू बी इक्वल टू एच सी एफ इंटू एल सी एम ठीक है इस पर हमने ऐसे क्वेश्चन देखे फिर हम और बेसिक लेकिन थोड़ा सा ऊपर चलते जो नेक्स्ट टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं टाइप टू आप इसे मान सकते हो ठीक है आप इसे सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आप इसे मान सकते हो इसमें क्या होगा आपका देखो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट
फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड, जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा मतलब कंप्लीट डिवाइड करेगा, विच एग्जैक्टली डिवाइड 60, 75 एंड 90। अब देखो भाई, इस टाइप का अगर आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर आपने स्टार्टिंग में अभी हमने जो HCF LCM करा है वो अगर आपने अच्छे से देख लिया होगा ना, वो आपने अगर सीख लिया होगा ना, अब आपको देखो जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होता है, तो जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होगा हम समझ जाएंगे कि ये HCF की बात करना चाह रहा है, क्योंकि HCF ही होता है, हाईएस्ट हो, ग्रेटेस्ट हो, ठीक है, लार्जेस्ट हो, आप HCF समझ जाओगे यहाँ पे। फिर बोला है विच एग्जैक्टली डिवाइड, जो कंप्लीट डिवाइड करेगा 60, 75 एंड 90 को, और मैंने आपको अच्छे से बता रखा है HCF में, HCF हमेशा डिवाइड करता है, तो हम समझ जाएंगे हमें ऐसा नंबर निकालना है जो 60, 75 और 90 को कंप्लीट डिवाइड करे, तो वो क्या होता है, वो हमारा HCF होता है। तो सर हमने डायरेक्ट निकाल लेना है कि HCF ऑफ 60, 75 एंड 90, और HCF निकालने में तो आप लोग बिल्कुल मास्टर बन चुके हो, ठीक है, आप लोग मास्टर बन चुके हो, तो आप देखो इसका HCF क्या आया होगा, आपने इसका HCF निकाला होगा तो आपको HCF 15 मिला होगा। अब यार ये प्रैक्टिस आप, मैं जानबूझ के यहाँ पे पूरा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको HCF निकालना आता है, आप 15 निकालो कैसे आएगा, ठीक है, यू कैन गो फॉर डिविजन मेथड और यू कैन गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, वट एवर यू वॉन्ट यू कैन गो फॉर दैट एंड यू विल गेट योर आंसर 15, ओके, ये आपको इजीली मिल जाएगा। तो देखो 15 इन तीन को कंप्लीट डिवाइड करेगा, वो हमारा आंसर आएगा, ठीक है, तो सीधे आपका वही आंसर होगा कि वो सबसे बड़ा नंबर हमारा 15 है, ठीक है सर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फाइंड, अगर ऐसा लिखा हो, अभी हमने क्या बोला, ग्रेटेस्ट नंबर बोला, अगर लीस्ट नंबर बोला होगा, ठीक है, कि फाइंड लीस्ट नंबर विच इज, उसकी देखो डेफिनेशन चेंज हो जाएगी, स्टेटमेंट चेंज हो जाएगी, विच इज एग्जैक्टली, अभी ऊपर देखो सेम चल रहा है ऊपर के जैसे, विच इज एग्जैक्टली, लेकिन यहाँ पे देखो चेंज हो गया, वहां पे डिवाइड था, यहाँ पे डिविजिबल बाय हो गया, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 60, 105 एंड 120, 105 एंड 120, समझ रहे हो भाई क्वेश्चन को, क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ रहे हो ना, तुम्हें क्लियर हो रहा होगा। हिंट आपको पता है कि सर जब भी लीस्ट बोला जाए, जब भी स्मॉलेस्ट बोला जाए, जब भी लोएस्ट बोला जाए, हम हमेशा एलसीएम निकालते हैं, और एलसीएम क्या होता है, जो डिवाइड होता है, और वो आपको लिखा भी है, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, जो एग्जैक्टली डिवाइड होगा, जो कंप्लीट डिवाइड होगा किससे, 60 से 105 से 120 से। ये चीज मैंने आपको पहले बहुत अच्छे से बता रखी है, ऐसे केस में हम क्या निकालेंगे, हमें पता है भाई हमें एलसीएम निकालना है, क्योंकि वो डिवाइड होना चाहिए वो नंबर इन तीनों से, तो एलसीएम ऑफ 60, 105 एंड 120 का सर जब हम एलसीएम निकालने जाएंगे तो आपको एलसीएम क्या मिलेगा, निकाल लेना, आपको एलसीएम मिलेगा 840। फिर मैं बोल रहा हूँ, मैं जानबूझ के नहीं कर रहा हूँ इसका प्रॉपर, क्योंकि आपको पता है, बाकी दिक्कत होगी मुझे बता देना, इससे पहले तो हमने सारी प्रैक्टिस कर ही ली है एलसीएम एलसीएम निकालने की, ठीक है, तो आई थिंक उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ गए आप बात को, कर लोगे आप क्वेश्चन, कर लोगे आप लोग क्वेश्चन, ठीक है सर, बिल्कुल कर लेंगे। एक और छुटका सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, ठीक है, इसका आपको आंसर कमेंट कर लेना है, ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, फाइंड लीस्ट नंबर विच विच इज डिविजिबल बाई, जो कि डिविजिबल होगा, विच इज डिविजिबल बाई, कंप्लीट डिवाइड की बात हो रही है, ठीक है, 15 एंड 25, जो 15 एंड 25 से कंप्लीट डिवाइड होगा, तो क्या होगा वो आंसर आपको दिख भी रहा होगा आपको, ठीक है, और आप उसे इजीली कर लोगे, ठीक है, आप उसे इजी कर लोगे। एक और क्वेश्चन आप यहीं पे लिख लो कि आपको इसका आंसर मुझे कमेंट कर लेना है, टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, इस बार आपसे ग्रेटेस्ट पूछ लिया, फिर ये समझना पड़ेगा भाई, और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कभी कभार डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, बोला है ना कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट दूंगा यार आपको, चाहे वो छोटी से छोटी चीज हो, बड़ी से बड़ी चीज, ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज कंप्लीटली डिवाइड। अब देखो जो कंप्लीट डिवाइड कर रहा है, विच इज कंप्लीटली डिवाइड किसको, 20 एंड 24 को, ये आप करोगे, ठीक है, हो जाएगा आपका आंसर, यस सर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, अब
इस टाइप का तो बहुत सिंपल है ना, जब भी आपको डिवाइड से लिखा हो और ग्रेटेस्ट लिखा हो एचसीएफ निकालो, जब भी आपको डिविजिबल बाय लिखा हो या लिस्ट लिखा हो एलसीएम निकालो, ठीक है सब निकाल लेंगे, तो बिल्कुल प्रो है प्रो, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन देखो, इसे आप टाइप नेक्स्ट टाइप का मान सकते हो। देखो इस तरीके से अगर आपके पास कभी आएगा इफ टू नंबर्स, ठीक है दो नंबर है आपके पास, ओके गाइज यस सर, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, इफ टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है मेरे और वो मेरे रेशियो में है, कौन से रेशियो में है ए इज टू बी। देखो इस टाइप से अगर कभी आपको पूछा जाएगा, मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा दे रूल, मैं आपको यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ऐसा समझो ये आपका एक रूल है, इफ टू नंबर आर इन द रेशियो, रेशियो क्या होता है ये साइन आपने देखा होगा, ठीक है ऐसा, मतलब जब हम कंपेरिजन करते हैं दो नंबर का उसे हम रेशियो कहते हैं, आगे पढ़ेंगे हम रेशियो के चैप्टर में, जस्ट यहाँ पे देखो ए इज टू बी, ठीक है एंड दो नंबर है वो रेशियो में, रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, ठीक है रेशियो कभी भी रियल वैल्यू नहीं होती है, तो वो क्या होता है आपका वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म होती है, ठीक है रियल वैल्यू नहीं होती है, ओके ए इज टू बी एंड देयर एच सी एफ, एंड देयर एच सी एफ इज एक्स, एच सी एफ ठीक है एक्स, देन देन द नंबर, देन द नंबर्स आर। इसमें आपसे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी अगर आपको कोई नंबर दे रखा होगा वो रेशियो में दे रखा होगा और उसका एच सी एफ मुझे कुछ दे रखा होगा, यहाँ पे मैंने एक्स मान रखा है, एच सी एफ मुझे कुछ दे रखा होगा, तो अगर हमें बोला जाएगा कि मैं उन नंबर को फाइंड करो, नंबर क्या होंगे ये तो हमें रेशियो दे रखा है, अगर हमें उन नंबर को निकालना है कि वो नंबर क्या होंगे, तो हमें सिंपल जो रेशियो दे रखा है एक रेशियो को हमने मल्टीप्लाई करना है एच सी एफ के साथ, मुझे एक नंबर मिलेगा। अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है एक नंबर ये मिलेगा, अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो मैं दूसरे वाले रेशियो को करूंगा किसके साथ मल्टीप्लाई, एच सी एफ के साथ मल्टीप्लाई, मेरा आंसर निकल आएगा, ठीक है भाई। और अगर मुझे एल सी एम निकालने को बोला जाए, लिसन माई वर्ड केयरफुली, अगर अभी मैं क्वेश्चन दूंगा, अगर आपको एल सी एम निकालने को बोला जाए तो हमने पता है क्या करना है, इन रेशियो को मल्टीप्लाई करो, ए इंटू बी इंटू और एक्स एल सी एम को भी, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करो, आपको एल सी एम मिलेगा। सर समझ नहीं आ रहा है कुछ क्या बोल रहे हो आप, तो रुको क्वेश्चन देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है एग्जाम्पल दिया मैंने आपके सामने ऐसा, चलो टू नंबर्स, दो नंबर्स है मेरे पे, ठीक है टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, दो नंबर है मेरे पे जो कि रेशियो में है, किस रेशियो में है, आर इन द रेशियो ऑफ टू इज टू फाइव, टू इज टू फाइव के वो रेशियो में है, ठीक है सर टू इज टू फाइव के रेशियो में, रेशियो आपको दिख गया, एंड देयर एच सी एफ, उनका एच सी एफ मुझे दे रखा है, एंड देयर एच सी एफ इज नाइन, सर मुझे क्या दे रखा है एच सी एफ नाइन दे रखा है, ठीक है सर बहुत बढ़िया। देन फाइंड, तो हमें बोला जा रहा है कि फाइंड करिए, क्या फाइंड करिए, देन फाइंड द एल सी एम, देन फाइंड द एल सी एम एंड एंड द नंबर्स, आपको एल सी एम भी फाइंड करना है और आपको नंबर्स भी फाइंड करने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोग समझ रहे होंगे कुछ कुछ कि भाई हमें रेशियो दे रखा है, रेशियो क्या दे रखा है ए इज टू बी, क्या दे रखा है टू इज टू फाइव दे रखा है, ये टू को ए मान लो फाइव को बी मान लो, ऊपर जो भी फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा रखा है। तो जब भी मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम का मैंने आपको अभी अभी बता रखा है कि हम क्या करेंगे, जो रेशियो है टू इज टू फाइव इनको मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने करा टू इंटू फाइव, ठीक है और इसके साथ हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे, एच सी एफ को मल्टीप्लाई करेंगे, एच सी एफ दे रखा है नाइन इंटू नाइन कर लो और इसे देखो टू फाइव जो टेन, टेन नाइन जो नाइनटी, नाइनटी तो मेरा मुझे मिल गया क्या एलसीएम मिल गया। अब मुझे नंबर से निकालना है, मुझे क्या निकालना है नंबर निकालना है, ऑब्वियसली दो नंबर होंगे, एक नंबर मेरा निकलेगा जो रेशियो है टू इज टू फाइव, इसके फर्स्ट टर्म को जो पहला नंबर है इसका टू, टू को मल्टीप्लाई करेंगे हम किसके साथ एच सी एफ के साथ, एच सी एफ क्या है नाइन है, टू नाइन जा एटीन मुझे मिल गया। और अगर मुझे दूसरा नंबर निकालना है तो मैं जो रेशियो का दूसरा वाला ये टर्म था फाइव, मैं फाइव को मल्टीप्लाई करूंगा नाइन के साथ, फाइव नाइन जब फोर्टी फाइव, मुझे ये दो नंबर भी मिल गए अच्छे से, ठीक है। अगर मैं आपको आपके क्वेश्चन को वेरीफाई करवाऊं तो देखो हमें नंबर मिला 18 इंटू फाइव, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं, आप लोग एलसीएम देखो, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो एलसीएम क्या आना चाहिए बताओ, एलसीएम क्या आना चाहिए, ऑब्वियसली सर जब एलसीएम यहाँ पे 90 आया तो मैं इन दोनों का एलसीएम निकालूंगा, 90 आएगा तो देखो आता है कि नहीं आते, हो जाएगा टू नाइन जा एटीन, फोर्टी फाइव, थ्री थ्री जा नाइन, फिफ्टीन, थ्री वन जा थ्री, थ्री फाइव जा फिफ्टीन, फाइव वन जा फाइव, देखो
टू थ्री सिक्स, सिक्स थ्री एटीन, एटीन फाइव या नाइनटी, हमारा क्या आ रहा है प्रॉपर वहां पे वो एलसीएम आ रहा है। और अगर आप 18 और 45 का अगर आप एचसीएफ निकालोगे तो आपको 9 मिलेगा, देख रहे हो। तो हमने इस नॉर्मल कॉन्सेप्ट से आपका क्या कर दिया, नंबर भी निकाल दिए, एलसीएम भी आपका निकाल दिया। ऐसे आपके भाई क्वेश्चन पूछा जाता है, समझिए अब आप लोग कैसे करना है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी में देखो आपकी थोड़ी और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। कि आपको दे रखा है क्वेश्चन, दो नंबर आपको दे रखे हैं, ठीक है, दो नंबर आपको दे रखे हैं कि टू नंबर्स आर इन द रेशियो, टू नंबर्स आर इन द रेशियो, मेरे को दो नंबर दे रखे हैं और वो रेशियो में दे रखे हैं। टू नंबर आर इन द रेशियो 3:5, 3:5 के रेशियो में मुझे वो क्या कर रखे हैं, दे रखे हैं 3:5, एंड देयर 3:5, एंड देयर LCM इज, और उनका जो मुझे LCM दे रखा है, एंड देयर LCM इज 75, उनका LCM मुझे 75 दे रखा है। फिर आपको बोला कि फाइंड HCF, HCF मुझे फाइंड करना है, ठीक है, फाइंड HCF, HCF मुझे फाइंड करना है। चलो आप लोग समझ गए होंगे कि सर यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर रखा है, थोड़ा सा यहाँ पे उन्होंने चेंज कर रखा है। चेंज क्या कर रखा है, अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, ठीक है, कि यार इसको कैसे उलट कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में तो यार आपको कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ठीक है सर, मुझे रेशियो तो मुझे दे रखा है, ठीक है सर, आपने हमें रेशियो तो पकड़ा दिया, रेशियो तो हमें पकड़ा दिया, क्या पकड़ा दिया सर, 3:5 पकड़ा दिया, ठीक है सर। और दूसरी बात, आपने आपने तो बोला था कि आपको HCF दिया होगा, लेकिन यहाँ पे आपने LCM हमें पकड़ा दिया, LCM क्या है 75 है। अब आप बोल रहे हो कि भाई HCF निकालो, तो सर ये तो गलत बात है। मैंने बोला यार गलत बात नहीं है, थोड़ा सब्र करो, थोड़ा सोचो इसको। आपको पीछे फॉर्मूला ही आपको दिख रहा है कि जब भी हमें LCM निकालना होगा, हम रेशियो के उन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मल्टीप्लाई फिर हम एक्स से करेंगे, हमें आंसर मिलेगा। तो LCM का फॉर्मूला आपको कुछ कुछ इस तरीके से बना है कि जो रेशियो दिए होंगे A:B उन्हें मल्टीप्लाई करो, और जो HCF दे रखा है उसे मल्टीप्लाई करो, आपको LCM मिलेगा। अब यहाँ पे आपने दिमाग लगाया, आपको आंसर मिला कि सर चलो इसको हम सॉल्व करते हैं। LCM मुझे दे रखा है, LCM मुझे कितना दे रखा है सर, 75 दे रखा है, ओके सर नो प्रॉब्लम। इंटू A मुझे दे रखा है कितना है, 3 है। इंटू B मुझे दे रखा है कितना है, 5 है। इंटू एक्स मुझे दे रखा है, अब ये एक्स क्या है सर, नहीं दे रखा है, एक्स क्या है, सोचो सोचो सोचो, एक्स क्या था यहाँ पे, एक्स हमारा HCF है, ठीक है, वो हमने मान रखा है। एक्स हम, आप इसकी जगह HCF भी लिख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप इसकी जगह ऐसा HCF भी लिख सकते हो, ठीक है, आप इसकी जगह एक्स भी लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसे HCF भी लिख सकते हो कि एक्स हमारा HCF था। अब बताओ कोई दिक्कत है इसमें, हमें किसकी वैल्यू चाहिए सर, हमें HCF की वैल्यू चाहिए, पैसे मल्टीप्लाई भी आप कर सकते हो, 3, 5, 15 इंटू HCF, मुझे सर HCF की वैल्यू चाहिए, तो भाई मिल जाएगी ना वैल्यू, अभी दे देते हैं। HCF के साथ 15 मल्टीप्लाई है, तो 15 इक्वल के दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, 15 से डिवाइड करो, 15, 5, 75, तो आपको HCF मिल गया कितना, 5 आपको HCF मिल गया। ये है भाई आपका फंडा क्वेश्चन, वो आपको घुमा फिरा के देंगे भाई, और डेफिनेटली देंगे, थोड़ा सा वो आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन दे देते हैं। समझ आ गया, यस सर समझ आ गया, समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन आपको करना है कि द रेशियो ऑफ, रेशियो दे रखा है आपको, ठीक है, कि द रेशियो ऑफ टू नंबर, द रेशियो ऑफ टू नंबर, कि टू नंबर का आपको उन्होंने रेशियो पकड़ा दिया, रेशियो क्या पकड़ाया, 3:4 पकड़ाया, 3:4, ठीक है सर नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। एंड देयर LCM, और LCM दे रखा है, एंड देयर LCM इज 180, 180 उन्होंने यहाँ पे LCM दे दिया। अब बोला आपको, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, हाँ क्वेश्चन क्या पूछा है, देखना है आपके, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटर नंबर, फाइंड द ग्रेटर नंबर। अब आपको उन्होंने बोला कि नंबर फाइंड करो, वो भी कैसा, जो ग्रेटर नंबर होगा, जो बड़ा नंबर होगा वो आपको फाइंड करना है। अरे सर ये तो थोड़ी उन्होंने चेंज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन जीरो से हीरो बनाएंगे भाई आपको, है ना। रेशियो सर हमें मिल गया, रेशियो क्या मिला, रेशियो मिल रखा है सर 3:4, ओके। LCM सर मुझे दिख रहा है साफ साफ 180 है, बोला ग्रेटर नंबर फाइंड करो, जो बड़ा नंबर है उसे फाइंड करो। तो हमने ऐसे क्वेश्चन LCM से ही लेके चलने हैं। LCM इज इक्वल टू, आपको पता है, A इंटू बी इंटू एक्स, एक्स क्या है, HCF है, ठीक है। LCM क्या है, LCM 180 दे रखा है,
ए क्या है, ए मेरा यहाँ पे 3 है, बी क्या है, बी 4 है, एक्स क्या है, एक्स सर मेरा यहाँ पे एच सी एफ है। अब मुझे एच सी एफ की वैल्यू ही तो चाहिए, एच सी एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 अपॉन 3 इंटू 4 कितना हो जाएगा 3, 4 = 12। 12 से आप इसे ना मल्टीप्लाई नहीं भी करोगे, आप डायरेक्ट उसे रिड्यूस भी कर सकते हो, ठीक है। 12 के टेबल आपको 180 तक कर कहनी है, डिवाइड करना है, 12 × 1 = 12, 12 × 5 = 60। एच सी एफ आया मेरा कितना 60 एच सी एफ आ गया मेरा, सॉरी 15 मेरा एच सी एफ आ गया यहाँ पे ना, 15 मेरा क्या आ गया, 15 आ गया मेरा एच सी एफ। अब जब मुझे एच सी एफ मिल गया, अभी मैंने आपको सिखाया था कि आपको नंबर कैसे फाइंड करने हैं, a इंटू एक्स बोला था, अगर आपको दिख रहा होगा देखो a इंटू एक्स और b इंटू एक्स, ए क्या था वहां पे नंबर था रेशियो का पहले वाला, और x क्या था एच सी एफ था। तो नंबर मैंने निकाला a इंटू एक्स करके, a मेरा क्या है 3 है, इंटू एक्स मेरा क्या है 15 है, तो 15 × 3 = 45। एक नंबर तो मुझे मिल गया, दूसरा नंबर निकालूंगा b इंटू एक्स, b है मेरा 4 और x है मेरा एच सी एफ 15 × 4 = 60। हमें क्या पूछा था कि ग्रेटर नंबर बताओ, तो यहाँ पे ग्रेटर नंबर क्या है 60 हमारा यहाँ पे ग्रेटर नंबर है, जो कि आपका क्या है, जो कि आपका क्या है आंसर है भाई, ठीक है। कर लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो, बोलो यार ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कर लोगे ना, ये सर बिल्कुल कर लेंगे। तो एक छुटका सा होमवर्क लिख लो, छुटका सा एक होमवर्क लिख लो छोटा सा, इधर रेशियो ऑफ, रेशियो हमें दे रखा है इधर रेशियो ऑफ, द रेशियो ऑफ टू नंबर, दो नंबर है उनका रेशियो दे रखा है, द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 4:5, इज 4:5, ठीक है, कॉमा देयर एच सी एफ, देयर एच सी एफ इज 5, एच सी एफ मुझे कितना दिया 5 दिया। अब आपको बोला कि फाइंड देयर एलसीएम, एलसीएम इस बारे फाइंड करना है, और आई एम श्योर आप लोग इजीली एलसीएम को क्या कर दोगे फाइंड कर लोगे, ठीक है, इस तरीके से करोगे, इजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं है, और जहां दिक्कत आएगी वहां मुझसे पूछ लो ना क्या दिक्कत हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब हम नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, एक सेकेंड, चलो भाई अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो पहले वीडियो लाइक कर लिया होगा और कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा, लाइक वो तो खैर सेकेंडरी चीज है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं है उसमें, लेकिन आपको पढ़ना है, मेहनत करनी है, ठीक है, बाकी और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो नेक्स्ट टाइप के देखो, अब नेक्स्ट टाइप आपसे क्या पूछा जाता, ठीक है, ये वाला टाइप है आपके पास, आप इसे टाइप 4 मान सकते हो, टाइप 4 क्या है आपके पास कि हमें 3 नंबर दे दिए, हमें क्या दे दिए 3 नंबर दे दिए, इफ 3 नंबर, ठीक है, इफ 3 नंबर्स, 3 नंबर है हमारे पास, भाग रहा है, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, इफ 3 नंबर्स आर इन द रेशियो, अब यहां पे ना हमें 3 नंबर दे दिए रेशियो में, ठीक है, आर इन द रेशियो ऑफ ए इज टू बी इज टू सी, अभी तक सिर्फ ए इज टू बी था, यहाँ पे आप सी भी आ गया, एंड उनका एच सी एफ भी हमें यहाँ पे पकड़ा दिया, एंड देयर एच सी एफ, एच सी एफ क्या है वही मान लो जो माना था पहले, एक्स मान लो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें नंबर फाइंड करना, क्या फाइंड करना है, अगर मुझे नंबर फाइंड करना होंगे कि नंबर कैसे निकालेंगे, देन फाइंड द नंबर, नंबर्स आपको इजीली जैसे हमने वहां करा था कि जो पहला टर्म होगा रेशियो का उसे मल्टीप्लाई करना एच सी एफ के साथ आंसर मिलेगा, दूसरा नंबर मिला निकालोगे बी को मल्टीप्लाई करना एच सी एफ के साथ, ठीक है, फिर आप तीसरा नंबर निकालोगे तो सी को मल्टीप्लाई करना एच सी एफ, जिसको आपको निकालना होगा उसको एच सी एफ से आपको मल्टीप्लाई करना है। फिर मैं अगर एल सी एम की बात करूं तो जैसे हमने वहां पे करा था a इंटू बी इंटू एक्स, तो यहाँ पे क्या करेंगे a इंटू बी इंटू सी इंटू एक्स, आपको एलसीएम भी मिल जाएगा, ठीक है, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है भाई, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। क्वेश्चन देखो, 3 नंबर, अब मैंने यहाँ पे आपको 3 नंबर दे दिए,
बहुत इजी है भाई, ये वाला तो आ सकता है भाई, ठीक है। रेशियो वाला आपसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला तो काफी कम चांसेस है, ठीक है, वाला बहुत कम दिखता है। थ्री नंबर आर इन द रेशियो, थ्री नंबर आर इन द रेशियो, तीन नंबर है और उनका मुझे रेशियो दे रखा है। थ्री नंबर आर इन द रेशियो ऑफ थ्री इज टू फोर इज टू फाइव, ठीक है, थ्री इज टू फोर इज टू फाइव, एंड देयर LCM, और उनका LCM मुझे दे रखा है, एंड देयर LCM इज 2400, 2400 उनका मुझे क्या दे रखा है, LCM दे रखा है। फिर आपको बोला देन फाइंड HCF, इस बार मैंने सीधे आपको HCF वाला दे दिया, क्योंकि नॉर्मल तो आपने अभी सीख ही लिया, वो तो आप इसीलिए कर लोगे, मुझे पता है ना, इसको हम थोड़ी देख लेते हैं। जब भी आपको LCM दिया रहता है, हमने फिर इसे LCM से ही करना है, तो मैं क्या करूंगा, LCM इज इक्वल टू, आपको पता है A इंटू बी इंटू सी और इंटू में X, X क्या है HCF है, तो C यहाँ पे क्या है 5 है, मैंने सीधे वैल्यू रख दी यहाँ पे ना, इतनी तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके ठीक है सर, तो LCM मुझे दे रखा है 2400। ओके सर, 3 इंटू 4 इंटू 5 करोगे आपको कितना मिलेगा, 3 4 जा 12, 12 5 जा 60 इंटू एक्स, एक्स क्या है ये सर HCF है, मुझे HCF तो निकालना था ना, तो HCF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 HCF के साथ मल्टीप्लाई है, इक्वल के दो साइड जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 6 से 0 कैंसिल, 6 4 जा 24 और 1 0, तो 40 आपका क्या आया, HCF आया आपका 40, है ना इजी भाई, ऐसे करोगे आपको। ये तो काफी कम चांसेस के आने के, बट मैंने आपको बता दिया ताकि यार कॉन्सेप्ट आप लोगों का बिल्कुल क्लियर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल क्लियर हो जाए। अब नेक्स्ट टाइप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है, लेवल अप है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये गारंटीड है कि ऐसे क्वेश्चन पूछे आपसे जाते हैं, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो किसी भी लेवल का दे। सबसे पहले देखो, जब भी आपको इस तरीके की स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट समझना भाई, स्टेटमेंट समझना कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द, फिर हम क्वेश्चन करेंगे बाद में, एक बार कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फिर हम प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड करना है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर That divides, find the greatest number that divide, जो divide करेगा, that divides 134, 159, एंड कर लो तीन नंबर देता हूं, 134, 159 एंड 184, 184, 184, so as So as to leave the remainder, कि वो remainder leave करेगा, remainder देगा, ठीक है, so as to leave the remainder, कितना देगा, 9 देगा, 9 in each case, इस तरीके से भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ध्यान से देखना इसको, ठीक है, सबसे पहली बात तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी, सर यहाँ पे ग्रेटेस्ट लिखा है, जब भी ग्रेटेस्ट लिखा होगा हम HCF की बात कर लें, ठीक है, यहाँ पे तीन नंबर मुझे दे रखे हैं, 134, 159 एंड 184 मुझे यहाँ पे नंबर दे रखे हैं, और क्या बोला है कि मुझे वो सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है कि जिससे मैं 134, 159 और 184 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर क्या मिलेगा, 9 मिलेगा इन ईच केस, ठीक है, मतलब जो मुझे ग्रेटेस्ट नंबर मिला अगर मैं उस नंबर से 134 को डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा, अगर मैं उस नंबर से 159 को डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, अगर मैं उस नंबर से 184 को डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर कितना मिलेगा, 9 ही मिलेगा, ये आपसे पूछा गया है, ठीक है, कि ऐसा होगा। अब हमें वो नंबर निकालना है, सबसे पहली बात आपको हिंट में ग्रेटेस्ट लिखा है, ग्रेटेस्ट जब भी होगा HCF निकालोगे, दूसरी हिंट आपको क्या दे रखी है कि दैट डिवाइड, जो डिवाइड करेगा या जो डिवाइड करता है, डिवाइड कौन करता है, HCF करता है, तो एक चीज हमें क्लियर हो गई, हमें यहाँ पे HCF निकालना है। अब एक बात है, किसका HCF निकालोगे, ध्यान से सुनना, क्योंकि हमें पता है कि सर HCF वो नंबर होता है जो कंप्लीट डिवाइड करता है, जो कंप्लीट डिवाइड करता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको ऑलरेडी क्या दे रखा है कि रिमाइंडर ये आना चाहिए, ठीक है, अगर मैं 134, 159 और 184 का HCF निकालूंगा तो वो तो इनको कंप्लीट डिवाइड करेगा, ठीक है, मेरी बात को समझो भाई, सब चीज बता रहे कि आपको कि HCF वो नंबर है जो कंप्लीट डिवाइड करता है, रिमाइंडर जीरो आता है। अगर मैं HCF से यहाँ पे इन तीनों नंबर को
डिवाइड करता हूं ना तो मुझे क्या मिलेगा, रिमाइंडर जीरो मिलेगा, क्योंकि HCF वो नंबर है जो उनको कंप्लीट डिवाइड करता है। बट सर क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग मुझे तो 9 मिलना चाहिए ना, मुझे क्या मिलना चाहिए सर, मुझे 9 मिलना चाहिए। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले इस रिमाइंडर को माइनस कर दूंगा। ये 134 का रिमाइंडर था, 134 में से रिमाइंडर माइनस कर दो, हमेशा आप ऐसा करोगे, ठीक है सर। फिर क्या था, 159 था, इसका भी रिमाइंडर 9 को माइनस कर दो। फिर क्या था, 184 था, इसका भी रिमाइंडर 9 को माइनस कर दो। आपने माइनस करा, 134 माइनस 9 करोगे आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे कितना, 125 मिलेगा, ठीक है, 125 मिलेगा, ओके। फिर आप 159 माइनस 9 करोगे कितना मिलेगा, 150 मिलेगा, 150 रुपया मिलेगा, है ना। और 184 माइनस 9 करोगे आपको 175 मिलेगा। अब हमने इनका HCF निकालना है, HCF ऑफ 125, 150 and 175, ठीक है। इनका हमने क्या निकालना है, HCF निकालना है। अब जब मैंने इनका HCF निकाला तो हमें क्या मिलेगा, निकालो HCF, चलो अगर मैं निकाल के देखूं, प्राइम फैक्टराइजेशन से मैं निकालू, तो आपको जो मर्जी कर लेना, आप जिस भी मेथड से कर लेना, तो ये तो 3, 5 सही होगा, 5 to 10, 5 to 25, 5 to 25, 5 to 5। फिर मैं 150 का क्या करूंगा, प्राइम फैक्टराइजेशन करूंगा, 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, जैसे होगा 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, सारा सिखा रखा है आपको कैसे कैसे करना है, ठीक है। फिर आपका 175 को करोगे तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे इसे मैं किससे करूंगा, 175 को मैं किससे करूंगा, 5 सही करूंगा, ठीक है, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। अब हमें यहाँ पे कॉमन देखना होता है, अगर मैं यहाँ से कॉमन देखू तो देखो 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे है, एक 5 आ गया, इनटू फिर से ये वाला 5, ये वाला 5, ये वाला 5, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारा जो HCF आया वो यहाँ पे क्या आया, 25 आया, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब मैं आपको इसे वेरीफाई करवा लेता हूँ, आपको करना नहीं, आपका तो ये आंसर आ गया, मैं जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर मैं 25 से देखो, रियल नंबर तो हमारा 134 है, या उससे पहले ये समझ लो, HCF जो 25 आया वो किसका आया सर, वो 125 का, 150 का और 175 का आया, ठीक है। और ये इसको कंप्लीट डिवाइड करेगा, 125 को 150 को 175 को कंप्लीट डिवाइड करेगा, रिमाइंडर जीरो देगा। अब मैं रियल नंबर पे आता हूँ, रियल नंबर मेरा 134 था, अगर मैं 25 से देखो 134 को मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 25 5 जा होता है 125, माइनस करोगे 40 माइनस 5 आपका 9 हो जाएगा, ठीक है, आपको कितना मिल गया, 9 मिल गया, देखो रिमाइंडर मिल गया 9। ऐसे अगर मैं 25 से करूंगा 159 को, तो ये भी मुझे मिलेगा कितना, 25 6 जा होता है आपका 150, रिमाइंडर कितना मिला, 9 मिला। ऐसे आप 184 को करोगे आपको रिमाइंडर 9 मिलेगा। तो हमने क्वेश्चन के कंडीशन को सेटिस्फाई कर लिया, ठीक है, और अपने आप को भी सर हमने सेटिस्फाई कर लिया कि भाई हम इजीली कर लेंगे, क्लियर हो गया, यस सर, 25 आपका आंसर आ चुका है, ठीक है सर, ऐसा करोगे, समझिए। इस टाइप का क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन कभी भी आएगा इजीली आप कर लोगे, आपको बस वहां पे हिंट देखनी है कि सर हमें क्या बोला जाएगा कि रिमाइंडर, एक रिमाइंडर दे रखा होगा और वो सेम आना चाहिए, ठीक है। फिर मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, आपको ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 39 and 84 so as to leave remainder, so as to leave remainder 3 in each case। समझे क्वेश्चन को, 3 वहां पे हर एक केस में वहां पे आपका 3 आना चाहिए, इजीली कर लोगे, कर लोगे भाई, मेरे करने की जरूरत है, आप कर रहे एक बार ट्राई कर लो फिर देखना आंसर, ठीक है। हमने सी से क्या करना है, 39 माइनस रिमाइंडर 3 करना है, 84 माइनस रिमाइंडर 3 करना है, 39 माइनस 3 करोगे 36 मिलेगा, 84 माइनस 3 करोगे 81 मिलेगा। अब हमने HCF निकालना है, किसका, HCF ऑफ 36 का निकालो एंड 81 का निकालो, आपको क्या मिलेगा,
प्रैक्टिस आपने कर ली होगी, आपको 9 मिल गया होगा, ठीक है कि सर 9 HCF आया। अब देखो 9 से अगर मैं 39 को डिवाइड कर रहा हूँ तो 9 4 36 3 रिमाइंडर आ गया, 9 9 81 84 में भी आपका 3 रिमाइंडर आ जाएगा, तो 9 आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। फिर ये आपके इक्वेशन होमवर्क लिख लो, आपको करना है ठीक है, और आंसर कमेंट भी करना है ठीक है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड, विच विल, देखो होमवर्क भी आपके तैयार हो रहे हैं हर जगह है ना, विच विल डिवाइड 15, विल डिवाइड 15, 18 कर लो इसको, चलो विच विल डिवाइड 18 एंड 48, 18 एंड 48 सो एज टू लीव रिमाइंडर, सो एज टू लीव रिमाइंडर, रिमाइंडर जो लीव करेगा कितना, इसमें भी 3 कर लो, 3 इन ईच केस, 3 इन ईच केस, ठीक है भाई, ये आपको फाइंड करना है, 3 इन ईच केस आपको यहाँ पे फाइंड करना है। कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लिया सबने, जब भी आपको नंबर दे रखे होंगे और कुछ रिमाइंडर दे रखा होगा, ये हो गया आपका। नेक्स्ट टाइप देखो आपसे क्या पूछा जा सकता है, नेक्स्ट टाइप देख लो, नेक्स्ट टाइप में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट टाइप में पूछा जा सकता है कि फाइंड द, ये नेक्स्ट टाइप का है ठीक है, टाइप 6 आप इसे समझ सकते हो कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड, सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है जो कि डिवाइड करेगा, दैट डिवाइड 43, 91 एंड 183, 43, 91 एंड 183, तो एज टू लीव रिमाइंडर, तो एज टू लीव रिमाइंडर, जो रिमाइंडर, अब यहाँ पे देखो इन्होंने ना रिमाइंडर कुछ नहीं दे रखा है, लेकिन सिर्फ हमसे ये बता रखा है कि रिमाइंडर सेम आएगा हर केस में, मतलब अगर मैं उस नंबर से डिवाइड करूंगा किसको, 43 को, 91 को, 183 को, तो रिमाइंडर तीनों के तीनों नंबर में सेम रिमाइंडर मुझे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे उन्होंने रिमाइंडर नहीं बता रखा है। ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, ये तो हमने पढ़ी रखा है, ग्रेटेस्ट नंबर है तो हम HCF निकालेंगे, लेकिन HCF निकालने से पहले आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, छोटी सी बात आपको ध्यान में रखनी है कि हमने क्या करना है, क्योंकि रिमाइंडर नहीं दे रखा है, अगर रिमाइंडर दिया होता तो मैं क्या करता, उन नंबर में से रिमाइंडर को माइनस करता, जो नंबर आते उनका HCF निकालता और आंसर मेरा आ जाता वो इजीली, लेकिन यहाँ पे मुझे रिमाइंडर कुछ नहीं दे रखा है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या करोगे, जो आपको नंबर दे रखे हैं उन नंबर को उनमें से ही माइनस करो, मतलब फर्स्ट नंबर में से आप सेकंड नंबर माइनस करो, 43 माइनस 91, ओके सर, फिर जो सेकंड नंबर है 91 उसमें से आप थर्ड नंबर को माइनस करो 183, ठीक है, उसके बाद जो आपका थर्ड नंबर था 183 उसमें से आप फर्स्ट नंबर को माइनस करो 43। अब यहाँ पे आपका आंसर, क्योंकि बड़ा नंबर 91 माइनस में, आंसर माइनस में आएगा, यहाँ पे भी आंसर माइनस में आएगा, लेकिन आपको माइनस को इग्नोर कर लेना है, माइनस को आपको इग्नोर कर लेना है, 43 माइनस 91 करोगे या 91 माइनस 43 करोगे आपको मिलेगा, देखो 11 माइनस 3 करा 8 आया, ठीक है, यहाँ पे 9 8, 8 माइनस 4 करा आपको 4 आया, 48 आया, लेकिन बड़ा नंबर 91 माइनस में है, 48 भी आपका माइनस में होगा, लेकिन हमने इसे इग्नोर करना है, हमने इसे 48 मान लेना है, इग्नोर कर लेना है आपने उसको, ठीक है, फिर 91 माइनस 183 करोगे आपको मिलेगा माइनस 92, माइनस को हमने इग्नोर करना है, 92 मिल गया, 183 माइनस 43 यहाँ पे तो बड़ा नंबर 183 प्लस में है, ये तो सी से आपका 140 हो जाएगा, ठीक है, इसी से आपका क्या हो गया 140 हो गया। अब हमने इनका HCF निकालना है भाई, ठीक है, हमने किसका निकालना है, HCF of 48.92 एंड हम किसका निकालेंगे 140 का HCF निकालेंगे, HCF निकालो आपको इजीली मिल जाएगा, किसी भी मेथड से आप निकाल लो, ओके, किसी मेथड से आप निकाल लो, इट कैन बी डिवीजन मेथड और इट कैन बी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है यू कैन गो फॉर दैट, ठीक है। अब देखो तो मैं अगर इनका HCF निकालूं आपको HCF मिलेगा 4, HCF क्या मिलेगा 4 मिलेगा, ठीक है। अब थोड़ी ध्यान से देखो
सर क्या एक क्वेश्चन की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है? आंसर तो आपका ये आ गया, आंसर आपका ये आ गया, लेकिन हम थोड़ी क्वेश्चन की कंडीशन को देखते हैं कि सर जब हमने इस नंबर से 43 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या आएगा, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, 49 ये हो जाएगा आपका कितना, 4 1 4 0, यहाँ से आया आपका, यहाँ से आया क्या आपका, यहाँ से क्या आया आपका, ये आया। ठीक है, यहाँ मैं 0 लगा लूंगा क्योंकि यहाँ पूरा खत्म हो गया। रिमाइंडर इसमें कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अगर मैंने 4 से 91 को करूंगा यहाँ पे रिमाइंडर 3 आना चाहिए, देखते हैं आता है नहीं आता। 4 2 8, यहाँ पे कितना बचा आपका 1, यहाँ से आया आपका 1, 4 2 8, 11 - 8 आपका 3, यहाँ से भी 3 आ गया। फिर आप 4 से अगर किसको करोगे, 183 को करोगे, 4 4 16, यहाँ पे कितना बचा 2, यहाँ से आया 3, 4 5 20, यहाँ पे आपका रिमाइंडर 3, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया, इसमें भी 3 आया। ये मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, ठीक है, कि हमने बिल्कुल सही करा, आंसर आपका 4 आएगा। ठीक है भैया, कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने आप इजिली उसे कर लोगे, तो ये आपका होमवर्क है, बस उसी के जैसे करना है। हाँ भाई, अच्छी सी आप निकालना तो आपको आना चाहिए, नहीं तो दिक्कत आएगी। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर, वो ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है दैट विल डिवाइड, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, दैट विल डिवाइड 99 को, 123 को, 123 को एंड किसको करेगा, 99 123 एंड 183, ठीक है, लीविंग, यहाँ पे भी आपको रिमाइंडर नहीं दे रखा है, कोई नंबर नहीं दे रखा है लीविंग, लेकिन ये बोल रखा है कि हर जगह सेम रिमाइंडर आएगा, है ना, लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, लीविंग सेम रिमाइंडर इन ईच केस, तो हर एक केस में वो सेम रिमाइंडर देगा। तो ये आपको भाई आंसर निकाल लेना है, बस जब भी सेम रिमाइंडर बोला, फर्स्ट नंबर में से सेकंड नंबर माइनस करो, सेकंड में से थर्ड माइनस, थर्ड में से फर्स्ट माइनस, और आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो जो आएंगे उनका आपको एलसीएफ निकालना है, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, ये टाइप देने देखे, इसका आंसर मुझे कमेंट कर देना, आई एम श्योर आप इसे इजीली कर लोगे, बाकी और भी प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने क्वेश्चन तो करने हैं। टाइप नेक्स्ट देख लो इसको, अगर आपको इस तरीके से पूछा जाए फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, हमें बोला कि वो सबसे बड़ा, देखो हर एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया है हर एक टाइप का, ठीक है, तो अच्छे से करना आपको, इनको क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं ये, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड, जो डिवाइड करेगा किसको, 29 को, 60 को एंड 113 को, 29, 60 एंड 113, लीविंग रिमाइंडर, अब देखो यहाँ पे क्या कहानी चाहिए, लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर जो वो छोड़ेगा, जो वो देगा, वो क्या देगा, लीविंग रिमाइंडर 5, 12 एंड 17 रिस्पेक्टिवली, क्रम से, मतलब कि अगर आपने उस नंबर से 29 को डिवाइड करा तो रिमाइंडर आएगा मेरा 5, अगर आपने उससे 60 को डिवाइड करा रिमाइंडर आएगा 12, अगर आपने उस नंबर से ग्रेटेस्ट नंबर से 113 को डिवाइड करा आंसर आएगा मेरा 17, सॉरी रिमाइंडर आएगा मेरा 17। ठीक है, तो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, देखते हैं क्या होता है इस केस में, हमने क्या करना है यहाँ पे ना, रिमाइंडर अलग अलग नंबर के अलग अलग रिमाइंडर आपको उन्होंने ऑलरेडी दे दिए, स्टार्टिंग वाले जो हमने फर्स्ट टाइप करा इससे पहले इस टाइप के क्वेश्चन का, तो उसमें आपको क्या दे रखा था रिमाइंडर, उसमें आपको दिया होता था, देखो एक रिमाइंडर दे रखा है। फिर इस वाले केस में क्या हुआ, रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, लेकिन बोला था कि सेम आएगा हर केस में। अब यहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया आपको, जो हम ये वाली कंडीशन कर रहे हैं कि अलग अलग आपको रिमाइंडर दे दिए, ठीक है, कि हर किसी नंबर का अलग अलग रिमाइंडर आएगा। इस केस में हमने क्या करना है, उस नंबर में से भी बहुत ही है, उस नंबर में से हमने जो नंबर होगा उसका रिमाइंडर माइनस करना है, ठीक है, तो 29 - 5 आपने करा, आपको कितना मिलेगा, 24 मिलेगा, ओके सर। फिर जो आपका दूसरा नंबर है उसमें से उसके रिमाइंडर 60 में से 12 को आपने माइनस करना है, माइनस करना है, माइनस करा तो आपको आंसर क्या मिला, 60 - 12 करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा,
आपको आंसर क्या मिलेगा 48 मिलेगा। ठीक है सर, और अगर आप क्या करोगे 113 में से उनका रिमाइंडर 17 माइनस करोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर क्या मिलेगा 96 आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, 130 माइनस 17 करोगे 96 आपको आंसर मिलेगा भाई। अब आप इसे एच सी एफ निकालो, किसका हम किसका एच सी एफ निकालेंगे, एच सी एफ ऑफ जो माइनस करके आंसर आया 24 का, 48 का एंड एक सेकेंड यार ये लो हो गया, ये लगाने दो। ठीक है, और किसका निकालना 96 का निकालना, तब तक आप एच सी एफ निकालो, तब तक मैं इसे फिट करता हूँ। चलो 24, 48 एंड 96 का हमें क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, तो निकालो, एक मिनट का टाइम है, उससे भी पहले आपको निकालना है। ठीक है, प्रैक्टिस करनी है दबा के, तब निकलेगा। निकला भाई आंसर, निकला निकला मैं निकला है ना, आ गया होगा अब तक तो आपका। आप इनका एच सी एफ निकालोगे, आपको एच सी एफ मिलेगा कितना 24, और 24 हमारा आंसर है। ठीक है दोस्त, 24 हमारा आंसर है, हो जाएगा लोगे? ये वाला टाइप भी आप लोगों ने देख लिया, समझ लिया और कर लिया। इस पे भी एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, इसका भी आप एक क्वेश्चन लिख लो एज ए होमवर्क। ठीक है, सेम इसी के जैसे करना है, और इनमें ऐसा ही करना है, ऐसा ही इसमें क्वेश्चन आएगा और ऐसा ही आपको करना है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। ठीक है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, वो सबसे बड़ा नंबर आपको फाइंड करना है, दैट विल डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा इसको डिवाइड करेगा 140 को डिवाइड करेगा, कॉमा 176 को डिवाइड करेगा एंड 264 को डिवाइड करेगा। ठीक है, दैट विल डिवाइड 140, 176 एंड 264। ठीक है, लीविंग रिमाइंडर, लीविंग रिमाइंडर, रिमाइंडर को लीव करेगा, लीविंग रिमाइंडर। ठीक है, 4, 6 एंड 9 रिस्पेक्टिवली, मतलब आप उस नंबर से 140 को करोगे 4 आएगा रिमाइंडर, 176 को करोगे 6 आएगा रिमाइंडर, 264 को करोगे तो 9 आएगा रिमाइंडर। ठीक है, इसको करना है, बहुत इजी है, हो जाएगा 140, 176 और 264, इनमें आपने इनके रिमाइंडर माइनस करने हैं, जो आएगा उसका एच सी एफ निकालना है, आंसर आपको मिल जाएगा, कमेंट आपको आंसर करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का देखो भैया, टाइप एट आप इसे मान सकते हो। अब आपसे क्या पूछा जाता है, देखो फाइंड द, ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर, फाइंड लीस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर हमें फाइंड करना है, फाइंड लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, इस तरीके का क्वेश्चन आता है डिविजिबल बाय। वैसे मैं छोटा सा क्वेश्चन पहले भी दिया होगा ऐसा, 5, 10 एंड 25, जो कंप्लीट डिवाइड होगा 5 से, 10 से और 25 से, तो इसमें आपको सीधे से ये दिख रहा होगा। ऐसे केस में हमने एलसीएम निकाला, क्योंकि कंप्लीट डिवाइड बोला है, कंप्लीट डिवाइड कौन होता है, एलसीएम होता है, एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 25, इनका एलसीएम आप इजिली निकाल लोगे, आपको एलसीएम मिलेगा 50, 50 आपका आंसर आएगा। ठीक है, बहुत बेसिक है, इसलिए मैं इसमें आपको नहीं करवाया, इसमें आप लोग क्वेश्चन लिख लो, होमवर्क के क्वेश्चन आप लिख लें, क्योंकि यार बहुत बेसिक चीज है, एचसीएफ एलसीएम मैंने आपको पहले भी बता दिया कैसे निकालना है, जबरदस्त प्रैक्टिस हमने करी है। ठीक है, फाइंड लीस्ट नंबर, बाकी यार आप लोग ना ऑनलाइन क्लासेस भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ऑनलाइन क्लासेस में तो ऐसा होता है कि जबरदस्त हम हर एक चीज को बहुत बारीकी से समझते हैं, उसमें आपको क्या होता है कि भाई डेली आपकी क्लासेस होती हैं, डेली आपको प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलती है, वीकली मैं आप लोगों का टेस्ट देता हूँ ताकि आपकी प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाए, मंथली फिर आपका ओवरऑल परफॉर्मेंस आप लोगों का टेस्ट होता है, और जो खतरनाक चीज मैंने आपके लिए रखी है
एनी टाइम डाउट भाई साहब, मैंने आपके लिए देखिए पूरे इंडिया में कोई भी दे आपको तो बताना कि पूरा कंफर्टेबल मैं आप लोगों को करता हूँ कि जब भी आपको प्रॉब्लम होती है ठीक है तो आप तुरंत कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, हमारा पर्सनल कांटेक्ट होता है फिर आपसे, है ना। वैसे तो मैं कुछ सामने से करता हूँ, फिर आपको भाई कैसे कैसे करना है ना, फिर भी आप लोग कहीं पे अपना क्वेश्चन कर रहे हो और आपको डाउट आ गया तो कहाँ जाओगे डाउट्स होकर, तुरंत कॉल करोगे मुझे, मैसेज करोगे मुझे, ऑन द स्पॉट अपना डाउट क्लियर करोगे। बाकी जो लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, देख लो फैसिलिटीज, आप उसमें अपना माइक भी ऑन कर सकते हो, आप उसमें अपना कैमरा भी ऑन कर सकते हो। लाइव क्लास की भाई साहब रिकॉर्डिंग तक मैंने आपके लिए अवेलेबल रखी है, रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होती है, कभी कोई क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे देख सकते हो। फिर आपको कुछ भी परेशानी होना है कि कहाँ से करें सर, क्या करें, कब करें, कितना करें, हर एक चीज मैंने आपके लिए रखी है भाई, ठीक है, हर एक चीज आपके लिए रखी है, बस आपको फॉलो करते जाना है, सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन आपके बहुत तगड़े तगड़े होते हैं हमारे, ठीक है, और मस्त तरीके से। फिर आपको देखो कंटेंट आपको तो पता चल ही रखा है कितना जबरदस्त हम लोगों का कंटेंट रहता है, ठीक है, आपको हर एक चीज कंफर्टेबली समझ आती है। यार करवाने के लिए तो मैं आपके सामने कई सारा कंटेंट रख दूं कि ये है वो है, लेकिन वो आपके हिसाब से आपके लेवल का आपके नॉलेज का भी तो होना चाहिए कि जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि भाई आपके अभी जिस आप लेवल पे स्टडी कर रहे हो स्कूल का भी आपको देखना होता है, उसमें मैं आपको सारा स्कूल का भी इंक्लूड करा रहता है, ठीक है, हर एक चीज उसमें आपको बताई रहती है, ठीक है। तो फाइनल लिस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 60, 105 एंड 120, ठीक है, इसको आपको बताना है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इजिली कर लोगे, सीधे सीधे आपको उसमें एलसीएम निकालना है, ठीक है। फिर अगर आपको क्वेश्चन आएगा तो फाइंड द लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर, वो छोटा नंबर आपको फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 18, 24 एंड 27। बहुत इजी है, इनका आपको एलसीएम निकालना है, 24, 27 हो जाएगा इतना। चलो अब नेक्स्ट देखो, जैसे हमने एचसीएफ का करा था उसी तरीके से अब ये यहाँ पे आपका एलसीएम के फंडे चल रहे हैं, ठीक है, कि फाइंड द, अगर आपको ऐसा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन है कि फाइंड द लीस्ट नंबर, ठीक है, कि फाइंड द लीस्ट नंबर, लीस्ट नंबर हमको फाइंड करना है, फाइंड द लीस्ट नंबर अब विच वैन जो डिवाइड होगा, डिवाइड कौन होता है, डिवाइड तो हमारा एलसीएम होता है, डिवाइड कौन होता है, डिवाइड हमारा एलसीएम होता है, विच वैन डिवाइडेड बाई, विच वैन डिवाइडेड बाई, ठीक है, 36 एंड 48, बेसिक क्वेश्चन दे रहा हूं, 36 एंड 48 लीव्स 8 रिमाइंडर, एट रिमाइंडर इन ईच केस, ठीक है, हर एक केस में क्या आना चाहिए, 8 रिमाइंडर आना चाहिए। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो तो ध्यान से आपको सुनना है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन चाहिए मुझे आपके यहाँ पे। सबसे पहले देखो एलसीएम होता क्या है, सर एलसीएम वो नंबर होता है जो उन नंबर से कंप्लीट डिवाइड होता है, मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि भाई 36 और 48 का जो एलसीएम होगा उसका क्या मतलब है कि जो ये एलसीएम नंबर आएगा ये 48 से कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा, 36 से कंप्लीट डिवाइड होगा मतलब रिमाइंडर जीरो आएगा। लेकिन सर हमें तो क्वेश्चन में बोला है कि हमें ऐसा नंबर फाइंड करना है कि जिसे जब हम 36 से डिवाइड करेंगे, 48 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर दोनों केस में 8 आना चाहिए, और एलसीएम तो वो नंबर होता है जो क्या करता है, रिमाइंडर जीरो देता है, ऐसा वो डिवाइड हो जाता है। तो इस केस में हमने क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है, ठीक है, हमने क्या करना है, हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम किसका निकालना है, देख लो एलसीएम ऑफ 36 एंड 48, ध्यान से देखो, आपने पहले एलसीएम निकाल लिया, 36 एंड 48 का आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम निकालना सबको आता है, आपको एलसीएम मिला होगा 144। अब मुझे बताओ ये 144 ऐसा नंबर है जो 36 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, 48 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, लेकिन हमें क्या चाहिए, सर हमें रिमाइंडर 8 चाहिए। तो अगर मुझे रिमाइंडर 8 चाहिए तो मैं हमेशा क्या कर दूंगा, जो मेरा एलसीएम आएगा उसमें मैं जो रिमाइंडर दिया होगा उसे प्लस कर दूंगा, और 144 प्लस 8 करोगे तो दोस्त आपको क्या मिलेगा, 152 मिलेगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगर आप
52 को 36 से डिवाइड करोगे आपको आंसर मिलेगा कितना, रिमाइंडर मिलेगा कितना 8। अगर आप 48 से 152 को डिवाइड करोगे आपको रिमाइंडर मिलेगा 8। समझिए ऐसे क्वेश्चन भी आप इजीली आप कर लोगे। ये है भाई आपका नेक्स्ट टाइप, ठीक है, इस तरीके से करना है और क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्वेश्चन आता है तो फिर से आप ये क्वेश्चन इजीली कर लोगे। होमवर्क का क्वेश्चन है आपके लिए क्योंकि सेम स्टेटमेंट है ना, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट हो लीस्ट हो लोवेस्ट भी हो एलसीएम का फंडा रहता है ना, तो व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट नंबर आपको फाइंड करना है, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच वैन डिवाइडेड बाय। देखो भाई हर एक कॉन्सेप्ट में आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत यार मेहनत लगती है, बहुत टाइम लगता है इन चीजों को आपको करवाने में, तो थोड़ी आपको भी सिंसियर रहना है, अच्छे से आपको चीजों को करना है, प्रैक्टिस आपको करते जाना है, रिविजन आपको करते जाना है, और जहां दिक्कत आएगी वहां आपको मुझे बताते जाना है, ठीक है। 35 and 70 leaves a remainder 12 in each case, हर एक केस में आपका क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, 12 आएगा। सेम कंडीशन है, ठीक है, सेम कंडीशन है, बस जैसा आपको बता रखा है, एलसीएम निकालो उसमें प्लस करना, इसका भी आप लोग कर सकते हो, ये क्वेश्चन भी आप लोग करना, आंसर मुझे कमेंट करना, लीस्ट नंबर विच वैन, सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है, विच वैन डिवाइडेड बाय, प्रैक्टिस आपकी बढ़िया हो जाएगी, विच वैन डिवाइडेड बाय 24 and 36 leaves in each case remainder what, remainder 8 आपका यहाँ पे remainder आएगा। तो करना इस क्वेश्चन को, मस्त है, ठीक है, इजिली कर लोगे ना ऐसे क्वेश्चन, तो बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे भाई, तो ये आपके क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे क्या है, रिमाइंडर आपको दे रखा है, बाकी और भी आपके क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन की आपको टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। फिर देखो आप जो यहाँ पे नेक्स्ट टाइप का, और आप इसे समझ सकते हो कि जो लास्ट टाइप का यहाँ पे आता है आपका, ठीक है, लास्ट टाइप का जो यहाँ पे आएगा आपका वो ये आएगा कि आपको अगर क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, किस तरीके से, कि फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, वो सबसे छोटा नंबर आपको फाइंड करना है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है, विच वैन डिवाइडेड बाय 24, 32, 34, 32 and 36 leaves the remainder 19, 27 and 31। समझे यहाँ पे स्टेटमेंट क्या चेंज हो गया कि सर अभी तक तो रिमाइंडर वहां पे एक दिया था कि सब में सेम ये रिमाइंडर आएगा, अब आपको क्या दे दिया कि भाई हर किसी का रिमाइंडर अलग अलग आएगा। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझनी है कि सबसे पहले इसमें पता हमें क्या करना है, क्वेश्चन आते हैं भाई ऐसे, सबसे पहले पता हमें क्या करना है, कंप्लीट कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, एलसीएम निकालना है किसका, सीधे सीधे जो नंबर दे रहे हैं, माइनस मत करना, पहले एलसीएम निकाल दो, एलसीएम आपने किसका निकालना, 24 का, 32 का एंड 36 का, आपने जब इनका एलसीएम निकाला, तो एलसीएम निकालना सबको आता है, इसका एलसीएम आया होगा आपका 288, नहीं आता है तो देख लो भाई, ठीक है, सारा करवा रखा आपको, ठीक है, एलसीएम आया आपका कितना, 24, 32 एंड 36 का एलसीएम आया आपका कितना, 288 आया, ठीक है सर। अब हमने इसमें क्या करना है, जब आपका यहाँ पे एलसीएम आया, एलसीएम आपका कितना आया, 288 आपका यहाँ पे एलसीएम आया, फिर हमने क्या करना है, इनके रिमाइंडर को माइनस करो, 24 का रिमाइंडर क्या है, 19 है, ठीक है सर, 32 का रिमाइंडर क्या है, 27 है, माइनस कर दो, 36 का रिमाइंडर क्या है, 31 है, माइनस कर दो, ठीक है, 31 है, माइनस कर दो, ओके है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं इसे माइनस करूंगा मुझे क्या मिलेगा, 24 माइनस 19 करोगे 5 मिलेगा, 32 माइनस 27 करोगे 5 मिलेगा, 36 माइनस 31 करोगे 5 मिलेगा। तो यहां से हर बार जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा,
आपको आप रिमाइंडर को माइनस करोगे ना तो रिमाइंडर आपको यहाँ पे सेम मिल गया। रिमाइंडर आपको यहाँ पे क्या मिल गया, बिल्कुल आपको सेम रिमाइंडर मिल गया। तो हमने सिंपल क्या कर लिया, जब हमें यहाँ पे सेम सेम रिमाइंडर मिला और हमारा जो एलसीएम आया था 288, इस बारी हमने 288 में से वो माइनस कर देना है। अभी तक इसमें कंफ्यूज मत होना, इसमें आप प्लस कर रहे थे यहाँ पे, लेकिन इस वाले में जब भी ऐसा रहेगा ठीक है, क्योंकि वहां पे रिमाइंडर आपको अलग अलग दे दिए हैं, तो अलग अलग जब आपको रिमाइंडर दे दिए हैं तो हमने उसको वहां पे माइनस कर देना है। और आपने जैसे माइनस फाइव करा आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या, 283 आपको वहां पे मिल जाएगा ठीक है। और ये आपका आंसर रहेगा क्या, 283 आपका आंसर आया कि सर हमारा वो सबसे छोटा नंबर 283 है कि जिसे जब मैं 24 से डिवाइड करूंगा मुझे रिमाइंडर 19 मिलेगा ठीक है। आप उसे देख भी सकते हो ठीक है कि आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है ठीक है। देखो हम एक बार चेक कर लेते हैं, 24 से हमने 283 को करा तो ये हो जाएगा 24 1 24, यहाँ पे मिला मुझे 4, यहाँ से आया मेरा 3, 24 2 48 होता है तो 24 1 24 ही होगा, 13 4 9 3 2 19 मिल गया। और जगह भी आपको सेम ऐसी चीजें मिलेंगी ठीक है। तो ये हो गया आपका क्लियर, हो गया आपको यहाँ तक चीज क्लियर हो गई हो। क्या आपका भी सपना है कि मुझे सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है, मुझे मिलिट्री स्कूल एंट्रेंस एग्जाम क्रैक करना है और इन स्कूल्स में जाके मुझे अपनी स्टडी करनी है और अपना ओवरऑल डेवलपमेंट करना है, तो अनटोल्ड कॉन्सेप्ट लेके आया है आपके लिए वॉरियर 100 बैच, जिसमें भी आपको डेली क्लासेस मिलेंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिलेगी, वीकली टेस्ट मिलेगा, मंथली टेस्ट मिलेगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मिलेगी, आई रिपीट एनी टाइम डाउट आपको फैसिलिटीज मिलेगी, 24/7 आपको मेंटरशिप रहेगी ठीक है। और ये सारा कुछ आपको मिलेगा Only 9999 ठीक है, 9999 में आपको ये पूरा का पूरा मिलने वाला है। आप लाइव क्लास में अपना माइक ऑन कर सकते हो, आप लाइव क्लास में अपना ऑन द स्पॉट डाउट क्लियर कर सकते हो, इसके बाद भी फिर भी आपकी कुछ क्वेरीज रहती हैं तो एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज मैंने आपके लिए रखी हैं। और जो कंटेंट होगा वो जबरदस्त होगा ठीक है, कुछ भी आपको परेशानी नहीं होगी कि सर कैसे करना है क्या करना है, आपको बस फॉलो करते जाना है और अपना सेलेक्शन लेके रहना है राइट। फिर इसके बाद जब भी आप लोगों का कोई भी टॉपिक हो जाता है, कोई भी हम लोगों का चैप्टर हो जाता है, उसमें फिर आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपका पेपर होता है, जो आपका पहले के साल का जो पेपर हुआ होता है, उसमें कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं वो सारे क्वेश्चन भी आपको करवाए जाते हैं, ताकि आपको आइडिया आए कि यार जो हमने पढ़ा उस बेस पे हम जो क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं उनको हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं राइट। तो मस्त तरीके से आपकी क्लासेस होंगी, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, परेशानियाँ होंगी लेकिन उनका समाधान आपको हर टाइम प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो और ज़बरदस्त तरीके से आपको आप लोग अपनी क्लासेस कर सकते हो ठीक है। यार देखो पीछे नहीं हटना है, अगर आपने ठान लिया है कि यार मुझे ये एग्जाम क्रैक करना है, कोई भी आपका गोल हो कि मुझे ये अचीव करके रहना है, तो पीछे नहीं हटना है, बिल्कुल आग लगा देनी है और जबरदस्त तरीके से आप लोगों को मेहनत करनी है राइट। तो कॉन्टैक्ट करो और लिमिटेड सीट है और जल्दी से जल्दी आप लोग अपना इनरोलमेंट कर लो और मस्त तरीके से अपनी प्रिपरेशन हमें करनी है, कोई प्रॉब्लम होगी तो बता देना। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।